ओके हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुवेद एकेडमी। दोस्तों यस, वी आर लाइव विद नेम रिएक्शन क्विक रिवीजन सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जितने भी नेम रिएक्शंस के रेफरेंस बुक क्वेश्चंस होंगे जो फिल क्लेडन कैरोथर के, पीटरसन, जूलिया, मेटाथेसिस ऑलिफिनेशन रिएक्शंस एंड शैपिरो रिएक्शंस की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट किताबों में मौजूद हैं। एंड उसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं इन टॉपिकों पे, ताकि आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से मुकम्मल कर सकें। तो चलिए सभी लोग जल्दी से कनेक्टेड हो जाइए और एक बार मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, आगे की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। सब लोग जल्दी से मुझे बता दो भाई, सभी लोग, इज दैट ओके फॉर एवरीबडी? चलिए ओके। हाँ, तो ये भी एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि भाई वन मंथ सब्सक्रिप्शन कोर्स 499 का वैलिड है, आज हो गई है 29th ऑफ अगस्त और ये 31st ऑफ अगस्त तक वैलिड रहेगी। तो जिन बच्चों को थोड़े टॉपिक्स पढ़ने हैं वो इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ध्रुवेद एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारे सामने जो दिया हुआ है दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ पीटरसन, एल्किन मेटाथेसिस, शैपिरो एंड जूलिया रिएक्शन। तो यहाँ पे किताबें मैंने आपको मेंशन कर दी हैं ताकि जो बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो वो देख सके, है ना भाई। चलिए, काजल, अजीत, आदिनाथ, सुमल्या, राजकुमार, पार्थ, सबको वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए, वेरी गुड। तो दोस्तों आज का सेशन है हमारा इंपॉर्टेंट ये चार रिएक्शन, और हमेशा एग्जाम में इनसे एक ना एक सवाल हमें मिलता ही मिलता है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा ज्यादा सा और इज्जत दे करके इसकी पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। ऐसे टॉपिक का कॉन्सेप्ट तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में समझा दिया था, अब मैं टॉपिकों के क्वेश्चंस को आपको सामने लेकर के आता हूं ताकि आप इसको इजी वे में कंप्लीट कर सके, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज का पहला सवाल मैं शुरुआत करता हूं एक छोटे से रिएक्शन के साथ। चलिए दोस्तों, मेरे साथ सभी लोग अपनी कॉपी कलम निकाल करके बैठेंगे, है ना भाई। यूं नहीं बैठ जाना है कि भाई हाँ चलिए सर बनाते जाएंगे और मैं देखता जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। मेरे साथ आप सवालों को अप्रोच करेंगे क्योंकि मुझे आपको सिखाना है कि ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। और इसके लिए मैंने आपको इनके प्रोडक्ट भी बना करके दे दिए, कुछ के नहीं भी दिए, कुछ के दिए भी हुए हैं, तो मेरे हिसाब से आप इनको डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो पहला सवाल मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया और मैं अगर इस सवाल को अंजाम दूं तो मेरा सवाल क्या होगा कि सर ये जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज MCl और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, गौर से देखिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पीटरसन रिएक्शन की स्टोरी को पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर, ये क्या है, MCPBA है। अगर आप इसको गौर से देखें तो दिस इज योर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, और मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का काम क्या होगा हमें सबको पता है, क्या काम होगा बच्चों, ये इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इपॉक्साइड की रिंग बना देगा, बिल्कुल इपॉक्साइड की रिंग में कन्वर्ट करने वाला है ये, है ना भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। तो इसको एक इपॉक्साइड की रिंग बना दिया जाए, और जरा गौर से देखिए ये दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं सिस लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपके सिस मैनर में ही काउंट किए जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों ये सवाल अगर मैं आपको करने दे रहा हूं तो पहले एग्जाम में आपको ये सवाल जो दिया गया, ये रिएजेंट का सवाल पहले दिया गया है कि आप MCPBA को पहचाने, दिस इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, और आप इसको इपॉक्सीडेशन में अंजाम दे सके। एंड देन आफ्टर यहाँ पे हमसे सवाल क्या पूछा गया है, गौर से देखिए अगला, चूंकि ये प्रोडक्ट आपको बना करके मैंने दे दिया है, ठीक है भाई, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद हमारे सामने जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं दोस्तों वो है C3H7 दैट इज होल ट्वाइस कॉपर लिथियम। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देख रहा हूं तो इसका काम क्या है, दिस इज द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, और हम इस बात को मानेंगे कि सर जी यहां पे हमारे पास जो इपॉक्साइड की रिंग है इस पे ये अटैक करेगा। तो जरा गौर से देखिएगा सभी लोग, अगर ये इस पे अटैक करने जाएगा तो ये जो C3H7- है, मान के चले ये हमारा कॉपर के साथ बॉन्डेड है, तो ये ग्रुप अगर इसके ऊपर में अटैक करेगा क्योंकि तो प्लस और ये माइनस है, तो यही वाला ग्रुप अटैक करने जाएगा इपॉक्साइड की रिंग पे। तो दोनों साइडों पे अगर अटैक कराया जाए तो गौर फरमाएं, अगर आप ये साइड पे अटैक करने भेजोगे इसको तो बॉन्ड यहां से ओपन होगा, यहां से बॉन्ड भेजोगे तो इधर से ओपन होगा। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी जन बना के देख लेनी है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट किससे बनेगा इस पर हम लोगों को फोकस करना है। क्या अगर मैंने इस ग्रुप पे अटैक कराया तो एक बात बताइए, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग चलिए ये ग्रुप अगर अटैच हुई तो ये बिल्कुल प्लेन में आ जाएगी, C3H7 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा सर। और यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं ये ग्रुप क्या होंगे, सिलिकॉन अबव द प्लेन SiMe3, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कैसा रहेगा, बिलो द प्लेन रहेगा, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो बॉन्ड ओपन हो रहा है ये आपके किस फॉर्म में बन जाएंगे, O- के फॉर्म में रह जाएगा,
और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बिलो का बिलो रह जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे C3H7 से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। लीजिए सर, तो हमारा पहला सवाल ये हुआ कि सर ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो पहले ये ऑर्गेनोकॉपर अटैक करा, मैंने इसको इस कार्बन पे क्यों अटैक कराया, क्योंकि दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों आम एक एडजेसेंट कार्बन पे बनाने होंगे, है ना। अगर आप कॉपर का यहाँ अटैक करा दोगे तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन क्या होंगे, एक ही कार्बन पे बन जाएंगे। तो हमें थोड़ा दिमाग अप्रोच करने में लगाना पड़ेगा कि ये सर यहाँ पे O- और सिलिकॉन एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, वर्कअप होगा। वर्कअप का मतलब यहाँ से हम इसको ब्रेकअप करके हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, तो एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक तरफ हमारे सिलिकॉन ग्रुप। अगर एडजेसेंट पोजिशन पे होते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, दिस इज योर पीटरसन रिएक्शन। तो अब दिमाग चलेगा, अच्छा पीटरसन आ चुका है, अब यहाँ सोडियम हाइड्राइड को यूज करेंगे। अब अगर इसको सोडियम हाइड्राइड को यूज किया जाए तो किसके लिए यूज करना होगा, समझ में आ गया होगा। यस सर जी, अब मैं इसको अगर यूज करने जा रहा हूं तो इनको एंटी एलिमिनेशन रखना है या सिन रखना है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर सिलिकॉन और हाइड्रोक्सिल को सिन पेरिप्लेनर रखना चाहिए, तो सिन पेरिप्लेनर लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रोटेट करना पड़ेगा, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो सिलिकॉन एंड जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो कि NOH को डालने पे ये O- में कन्वर्ट हो जाना है, तो ये तो आपका प्लेनर फॉर्म में तो लगा ही हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ मेरे पास C3H7 बना हुआ होगा, और यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन बिलो का बिलो रहेगा, लेकिन जो C3H7 है वो कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन आपका आ जाएगा। तो अब मैं अगर इस प्रोडक्ट को बनाने जाऊं तो यहाँ मेरे पास क्या है, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज सिलिकॉन, ये दोनों यहाँ से एलिमिनेट होंगे, और जब ये एलिमिनेट होंगे तो हमारा अल्किन कैसा बनेगा, तुम्हें बता दो भाई साहब। सर जी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों कैसे हैं, सिस हैं, तो सिस बन जाएगा, और यहाँ पे C3H7, यहाँ भी C3H7, क्यों भाई, दोनों आपस में क्या रहेंगे, जेड अल्किन विल बी द मेजर वन। क्या सभी को समझ में आ गया बच्चों, यस और नो में जल्दी से जवाब दे दीजिए, समझ में आ गया, यस जेड अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। चलिए भाई साहब सब लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, ऐप वाले बच्चों मनी कह रही सर डाटा के कंज्यूम होता है, इसको कैसे बनाएं, तो इसको आप इसमें देख सकते हैं ना, आपको उसके जो रेजोल्यूशन उसको कम कर सकते हैं मनी, है ना। चलिए बाकी लोग ट्राई करते चलिए, यस सर जेड अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो चलो बच्चों ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, ये सवाल आपको जूफिल का दिया हुआ सवाल है, इसलिए नोट कर लीजिए, जेड फॉर जूफिल का सवाल है, अच्छा है, नोट करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सिंपली इस तरीके का सवाल है, ठीक है। अभी मैंने आपको प्रोडक्ट वगैरह सब बना करके दिया हुआ है, हम अभी सीखने के लिए पढ़ रहे हैं कि सर इसको अप्रोच कैसे करना है। अभी तुरंत दूध का दूध पानी का पानी भी अपने सामने हो रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीखना है अप्रोच कैसे करना, प्रोडक्ट अभी देखना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में अगर मुझे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड मिल गया तो दिमाग क्या चलेगा, तुम्ही बताओ। अगर सर मेरे सामने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड मिल गया तो हम क्या करने वाले, दिमाग चलेगा ना सर, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, तो अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है तो सबसे पहला काम क्या होगा आप ही बताओ। सर ये डायोल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा डायोल, बिल्कुल डायोल बनाएगा सर, लेकिन एक बात बताइए, डायोल जब बनेगा तो वो डायोल सिस बनेगा, सिन बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल, लेकिन वो किस तरीके से बनेगा हमें सोचना पड़ेगा। डायोल कैसा बनेगा सर, सिन बनेगा, सिन तो बनेगा लेकिन एबव बनेगा या बिलो, तो जरा गौर से देखिए, ये दोनों एबव द प्लेन है, तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायोल को बिलो द प्लेन बनाने के लिए डायरेक्ट करेंगे। तो यस सर, जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, दिस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये डाइओल बनाने का काम करेगा, किसका, सिन डाइओल बनाने का सर जी काम करने वाला है, लेकिन स्टीरियो कैसी बनी होगी, ओएससी और सिलिकॉन के बिलो बन जाएगी। जी सर मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन के तैयार हो चुका है। अगला, इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बना होगा, दिस विल बी ए प्रोडक्ट, यही हमारे सामने बन के तैयार हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है क्या, गौर फरमाए, दिस इज योर TSOH, टॉलविन, मतलब ये टोसाइल सल्फोनिक एसिड है ना भाई, तो सल्फोनिक एसिड मेरे पास अगर बना हुआ है तो ये कैसा कंडीशन दिया हुआ है आप ही बताओ, एरोमेटिक रिंग होगी यहाँ पे, दिस इज योर एसिडिक कंडीशन, और अगर एसिडिक कंडीशन होगा तो मुझे क्या करना होगा, दिमाग चलेगा सर, एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है, देखो जरा सभी लोग, सर जी यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन है और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये दोनों आपस में कैसे बने हुए हैं, एंटी पेरिप्लेनर बने हुए हैं, तो अगर एंटी पेरिप्लेनर बने हुए हैं तो ये कहानी किसकी है, एंटी एलिमिनेशन की है, तो बताओ ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन में काउंट हो जाएगी। सर जी सिलिकॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिएक्शन कैसे कहलाएंगे, पीटरसन, यस सर जी ये पीटरसन का सवाल है, और अल्कीन यहां पे आपकी फॉर्म हो जाए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी।
चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मौलिक गोस्वामी जी हेलो, ये साइना जी कह रहे हैं सर बिलो द प्लेन बनेगा, बिल्कुल करेक्ट है और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों ये जो सवाल मैंने आपको दिया है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कैरुथर, सी दिस इज योर कैरुथर्स क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ते हैं, यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ अगर दिया जाए तो कैसे बना हुआ दिया। चलिए दोस्तों ये भी सवाल एक बेहतरीन क्वेश्चन है, किसका, जोइफिल का आपका सवाल। ठीक है बच्चों चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। ठीक है जी प्रशांत जी बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक सेशन आप प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन का भी ले लेना प्लीज। ठीक है जी चिंता मत करिए, नेट के पहले जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों की हैं वो हम सब कराने वाले हैं, चिंता मत करिए, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन पे भी काम करें। आइए अगर मैं यहां पे बात करूं B2H6, जरा गौर फरमाएं B2H6 ये क्या है, एक तरीके का बोरोनेशन का सवाल है कि नहीं ये बताओ। बिल्कुल सर, अब सवाल ये उठेगा कि सर हाइड्रोबोरेशन जब हम लोग करते हैं, हाइड्रोबोरेशन अगर करेंगे तो यहां पे क्योंकि अल्कीन है तो अल्कीन के पास दो ग्रुप लगे हुए, एक SiMe3 और एक है N प्रोपाइल। तो सुनो जहां बल्कि लेस कार्बन होगा, जिस कार्बन पे बल्किनेस कम होगी, हम हाइड्रोजन को मतलब बोरोन को उधर अटैच करते हैं और हाइड्रोजन को कहां अटैच करते हैं, जहां बल्किनेस आपकी ज्यादा है। तो सिलिकॉन जो होगा उसको रिलेटिवली बल्किनेस ज्यादा मानेंगे और यहां पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ये सिन एडिशन करना शुरू करेगा। तो बच्चों ये जो स्टोरी है ये सबसे पहले किसकी स्टोरी है, सिन एडिशन की। तो जब आप गौर से इसको देखिएगा तो ये रिएक्शन भी जोफिल का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसलिए अच्छे से इसको देख लीजिए सब लोग। सर जी हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो रहा है, जरा गौर फरमाएं। यस तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें ना तो ये मेरे पास ग्रुप क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइल ग्रुप लग गया। यहाँ पे कैसा लग गया, SiMe3 लग गया है, डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ पे मेरे पास क्या लग गया होगा अभी बता दो। जी सर इस जगह पे हमारा हाइड्रोजन लग गया और इस जगह पे हमारा बोरोन लग गया। दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस, अल्काइन को अल्कीन बनाने में मदद करना, बिल्कुल ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, गौर से सब लोग देखिए, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्लीज माइंड इट, अगर मेरे पास यहाँ एसिडिक कंडीशन डाला गया, याद रखिए H+ डाला गया, एसिडिक कंडीशन डाला गया, तो अगर यहाँ H2O2OH- डाला जाता है तो बोरोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग H2O+ को डालते हैं तो फिर हमारा सवाल क्या बनेगा दोस्तों, दैट विल बी द इंपॉर्टेंट प्रोसेस। यहाँ याद रखिए ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बन जाता है, ये हाइड्रोजन अटैच करता है। अगर मैं यहाँ H2O2OH- को डालूंगा तो यहाँ क्या बनेगा, OH बनेगा, और अगर मैं H2O+ को डालूंगा तो ये जो बोरोन आप देख रहे हो ना बच्चों, याद रख लीजिए ये हमारे सामने बन जाता है, H को रिप्लेस कर देता है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो बोरोन है हटके क्या लग जाएगा, H, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, H। तो ये बच्चों एक सिन एडिशन रिएक्शन, जैसे हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं ना हाइड्रोजिनेशन, वैसा ये सवाल बनता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान आपको यही रखनी है कि दिस विल बी अ सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोथ साइड। एक तो हाइड्रोजन कहां से आ गया, हमारा हाइड्रोजन बोरोन से आ गया, और एक एसिडिक कंडीशन से हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है। और अगर मैं H2O2NOH का बेसिक कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा तो ये हमारा H की जगह OH लगा हुआ मिले। आई होप इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगला स्टोरी तो हम लोग समझ ही सकते हैं, फिर आगे की जर्नी तो आप तय कर सकते हो। बताओ यहाँ अगला स्टेप MCPBA का है, अब मुझे इसमें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही कर लोगे। अगला क्या होगा, इपॉक्सिडेशन होगा, इपॉक्सिडेशन करा लीजिएगा, अब मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, आप खुद आगे की गाड़ी खुद बढ़ाएंगे। ये RR ग्रुप को मैंने इस तरीके से लिख दिया है भाई, या मेरे पास दोनों H लगे हुए होंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर से क्या डाला गया है, ऑर्गेनोकॉपर, ऑर्गेनोकॉपर का अटैचमेंट कराइएगा, उसके बाद धीरे धीरे रिएक्शन करा लीजिएगा। तो पहला रिएक्शन बन गया, तो आगे की जर्नी आप खुद तय कर लेंगे ना, कर लेना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। आई होप इसको आप कवर अप कर लेंगे। बस मेरा मकसद ये था कि ये जो अल्कीन अगर एग्जाम में बना हुई नहीं मिले, इसको बनाने के लिए आपको अल्काइन का यूज करना पड़ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। हाँ जी सर कर सकते, चलिए वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिले, जैसे ये सवाल आपका क्लेडन का सवाल है, इसका भी पीटरसन का सवाल करा रहा हूं मैं, राइट नाउ वी हैव डन विद द पीटरसन, अभी उसी को कर रहे हैं। अगर ये क्लेडन का सवाल अगर मैं करने जाऊं तो इजी वे में कर सकता हूं, सवाल देख सकते हैं आप लोग क्या बनने वाला होगा। तो सर पहले अगर मैंने KH-THF डाला हुआ है तो सिन एलिमिनेशन का सवाल तो पक्का है, फिर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर ये जो मेरा सिलिकॉन है और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इनको सिन पेरीप्लेनर लेके आना पड़ता है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब लोगों को पता है, सबसे पहले इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। अगर इस टाइप के सवाल एग्जाम में मिले तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो सबसे पहले हमें दिमाग लगाना होगा, सर ये सिलिकॉन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो पहले दिमाग लगा लेते हैं सिलिकॉन कैसे बना हुआ है। यस सर, ऐसा ही Me3 के फॉर्म में लगा हुआ है। हाइड्रोजन कैसे है, बिलो द प्लेन बना हुआ है। यहाँ हाइड्रोक्सिल कैसे है, सर जी अबव है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, पहले तो दिमाग इसमें चलेगा, ठीक है जी। उसके बाद दिमाग क्या लगाना होगा कि यस सर ये जो सिलिकॉन है और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर रेडीमेड स्टीरियो बना के दे दी जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सिलिकॉन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या लेके आना है, सिन पेरिप्लेनर, क्योंकि यहाँ पे KH बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर मैं इसको सिन पेरिप्लेनर लाऊंगा तो बस दिमाग यही चलेगा कि सर इसको रोटेशन करना पड़ेगा, रोटेशन करने में अच्छे से आनी चाहिए। बताओ सिलिकॉन को इस जगह पे लाया जाए, सर अगर सिलिकॉन को मैं इस जगह पे लेके आ गया, SiM3 पे लेके आ गया, तो मुझे बताइए, तो अगर H को देखा जाए तो H कैसा रहेगा, बिलो द प्लेन रहेगा। CH3 कहाँ पे आ जाएगा, अबव द प्लेन आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल नहीं, पीटरसन की बात हम लोग कर रहे हैं तो। और यहाँ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको कहाँ लाना पड़ेगा, C3H7 की जगह पे रोटेशन कर देते हैं। हाँ सर कर दीजिए रोटेशन, OH ग्रुप यहाँ पे लग चुका होगा, और जब मैं रोटेशन करूंगा बच्चों तो ये C3H7 ग्रुप है ये भी कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा C3H7, और ये जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन आ चुका। तो कुल मिलाकर के ये है अगला सवाल कि सर अगर मैं यहाँ पे अब बेस को डाल रहा हूँ, KH को डाल रहा हूँ, तो ये दोनों क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, सिन एलिमिनेशन हो जाएगा। पीटरसन में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल और सिलिकॉन आपस में बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ये बाहर निकलेगा इट विल क्रिएट व्हाट, ये एल्कीन बनाएगा, और यहाँ पे दोनों जो CH3 CH7 जो है ये दोनों आपस में क्या बने होंगे, ट्रांसफॉर्म में मौजूद रहेंगे। तो हमारे पास जो एल्कीन बनेगा, स्पेसिफिकली कौन सी एल्कीन बनेगी, ई एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यस सर, प्लीज ई अल्किन यहाँ पे बनना जरूरी है, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो रेडीमेड स्टीरियो के साथ पीटरसन वाले देंगे ना, सिलिकॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो स्टीरियो है वो रेडीमेड अगर बना करके आपको दे दी जाए तो थोड़ा ध्यान आप इसको रखिएगा। रेडीमेड जब बना के देती है तो चीजें थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल अगर एग्जाम में मिल जाए तो कंप्लीट कर सकते हो, जरा बताओ, अगर मैं इस सवाल को देखूं दिमाग चल जाएगा एग्जाम में, बताओ अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए तो कैसे अप्रोच करेंगे, जल्दी बताइए, चलो सोचिए मेरे साथ सोचते चलिए। ओके सर जी, पहले मुझे बताइए ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है ये कैसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, SiME3 है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड OR, गौर से देखिए, और यहाँ पे मेरे सामने लगा हुआ है LDA, क्या लगा हुआ है, LDA लगा। तो LDA का काम क्या होगा, आप ही बता दो जी सर। LDA जो हमने यूज किया है ये तो हमारा इस जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, इसका मतलब पहला तो हमारा काम क्या होगा, अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से, अगर मैं बनाऊं तो वी हैव अ सी डबल बॉन्ड OR ग्रुप, यहाँ पे SiME3 ग्रुप है, नो प्रॉब्लम सर, और यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, LI, सबसे पहले यही होगा, कार्बोनाइन बन जाएगा, और एक बार कार्बोनाइन बन गया LDA ले जाएगा तो माइनस चार्ज क्रिएट होगा ना। उसके बाद सामने क्या दिया हुआ है सर जी, कीटोन दिया हुआ है, लीजिए सर कीटोन मेरे सामने है, और अगर कीटोन मेरे सामने है तो मुझे बताइए ये जो O माइनस है ये क्या करेगा, डायरेक्टली किस पे अटैक कर देगा, अटैक करेगा C माइनस, बॉन्ड को ओपन करेगा, जब बॉन्ड को ओपन करेगा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ओके सर जी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कार्बन और सिलिकॉन का एक बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन गया, यहाँ आपके पास O पे माइनस चार्ज लग गया, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड OR है ना भाई, और इसको वर्कअप करेंगे तुरंत इसको OH में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है भाई, दिस इज OH ग्रुप। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या डाला गया है, वी हैव अ एसिडिक कंडीशन, जो एसिडिक कंडीशन अगर हम लोग डालेंगे तो ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, एंटी एलिमिनेशन के थ्रू क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, और जब एंटी एलिमिनेशन के थ्रू बाहर निकल गए तो यहाँ क्या बन जाएगा, अल्कीन, और यहाँ क्या रह जाएगा, समझे कि नहीं समझे, सिंपल है। इस सवाल को अगर मैं कहूं तो ज्यादा टिपिकल लेवल नहीं है, बस हमें सोचना पड़ा कि यस सर सिलिकॉन और कार्बन के बीच में जो हमारा ग्रुप था एस्टर, ये कार्बन एसिडिक थे, बेस ने अटैक किया, प्रोडक्ट हमारे सामने है, कोई दिक्कत नहीं हो। यस यस यस, आगे बढ़ते भाई, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी मैं पीटरसन की बात कर रहा हूँ, फिर ओलेफिन मेटाथिसिस, सेपिरो रिएक्शंस एंड जूलिया रिएक्शंस की बातें करूंगा, तो फटाफट मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं एंड वी विल कन्वर्ट इट। तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर लेंगे, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपका कैरुथर का सवाल है और ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत होनी चाहिए।
आराम से इसको कंप्लीट कर सकता है बच्चों। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका रेडीमेड बना करके दिया हुआ है, क्या CH2- लिथियम दिया हुआ है और यहाँ SiMe3 दिया हुआ है, तो ये तो रेडीमेड कार्बोनाइन बना करके गिवन है, तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो अप्रोच कर ही सकते हैं, माइनस चार्ज का अटैक कराएंगे, बॉन्ड को ओपन करेंगे और ये सब वर्कअप कंडीशन दी गई है, जिससे क्या होगा यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोक्सिल और इसके पास सिलिकॉन बन जाएंगे, और जब एसिडिक कंडीशन हम लोग यहाँ डालेंगे तो क्या बनने वाला होगा, सर जी एसिडिक कंडीशन डालते ये दोनों यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और प्रोडक्ट हमारे पास बन के तैयार हो जाए। तो मेरा सवाल ये है कि सर अगर मुझे रेडीमेड अपने विटिक रिएजेंट्स नहीं मिलेंगे, सॉरी अपने पीटरसन के रिएजेंट रेडीमेड नहीं मिलेंगे, अक्सर एग्जाम में नहीं मिलेंगे आपको, अगर नहीं मिलेंगे तो हम इसको प्रोडक्ट को बना सकते हैं, पहले बनाएंगे सिलिकॉन हाइड्रोक्सिल फिर उसको हाइड्रोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है, आराम से करते चल रहे हैं, कोई लेवल दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, आगे बढ़ा जा सकता है, बिल्कुल बढ़ा जा सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं होने। चलिए इस क्वेश्चन को जरा अंजाम दीजिए सभी लोग, आइए सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन बच्चों, चलिए अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो हम इसको कैसे अप्रोच करने वाले हैं, तो सब लोग बोर्ड पे ढंग से देखिए, अभी पता नहीं चल रहा ये सवाल किसका है, कोई पता ही नहीं चल रहा ना कि सवाल है किसका, ये विटिक का सवाल है किसका सवाल, लेकिन सिलिकॉन है, लेकिन सिलिकॉन है तो दिमाग चलेगा सर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के क्वेश्चंस हमारे पीटरसन के नाम से जाने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम सर अप्रोच जब करेंगे तो कैसे अप्रोच करेंगे, तो गौर फरमाए सभी लोग ढंग से देखिएगा इसको। तो पहले ये रिएक्शन ना फैल्किन एंड मॉडल का बन, फैल्किन एंड मॉडल बोले तो यहाँ पे मिथाइल लिथियम है और मिथाइल लिथियम का काम क्या होगा तू भी बता दो सर, यहाँ जो मिथाइल लिथियम है ये इस पे अटैक मारेगा, और जब अटैक मारेगा और इसके पास पहले से अगर स्टीरियो सेंटर होते हैं तो ये एक डाया स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का सवाल बन जाए। तो फैल्किन एंड मॉडल पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा, और फैल्किन एंड मॉडल का मतलब क्या होगा सब लोग ढंग से इसको देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जूफिल, ये जूफिल का बहुत बेहतरीन सवाल है, हमें बहुत आनंद आया था इस सवाल को करने में, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सवाल अप्रोच कैसे करना है सर, दैट इज इंपॉर्टेंट, और कैसे अप्रोच करेंगे सब लोग देखो इधर कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसे हम लोग अपने फैल्किन एंड मॉडल के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, यहाँ NPR है ठीक है जी, एन प्रोपाइल ग्रुप, ये जो गिवन है ये कैसा गिवन है SiMe3 के फॉर्म में गिवन है सर, और यहाँ पे H बिलो द प्लेन होगा और ये हाइड्रोक्सिल जो भी ग्रुप लगा हुआ है R ग्रुप जो भी है C5H11 ये आपका अबव द प्लेन, सब लोग बोर्ड पे ढंग से देखते चलते। तो सर अगर मैं यहाँ पे मिथाइल लिथियम का अटैच कराऊं तो मुझे पता है कि यहाँ पे दो फेस होते हैं अटैक करने के, एक तो अबव द प्लेन से अटैक हो सकता है, मान के चलिए इधर से बोर्ड के प्लेन से अटैक हो सकता है या बोर्ड के बिलो द प्लेन से अटैक है, क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे अटैक होना है, तो दो तरीके से अटैक होता है, एक अटैक ऊपर की तरफ से हो सकता है और एक बिलो द प्लेन से, तो मुझे कैसे अटैच कराना, तो उसके पहले मुझे सोचना होगा यहाँ पे जो कार्बोनिल के ना जो बल्कीएस्ट ग्रुप होंगे उसको एंटी रखना, तो जो सिलिकॉन वाले ग्रुप होते हैं इनको इस कार्बोनिल ग्रुप के एंटी पेरिप्लेनर पहले आपको लाना पड़ेगा। एंटी पेरिप्लेनर का क्यों लाना पड़ेगा, फैल्किन एंड मॉडल का रूल है कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी चिलेटिंग ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब इसको एंटी पेरिप्लेनर लेके आइए बल्कीएस्ट ग्रुप को, तो सिलिकॉन को मैं SiMe3 को मैं बल्कीएस्ट ग्रुप मानूंगा और इसको एंटी पेरिप्लेनर किसके लेके आऊंगा, कार्बोनिल, और जब इसको एंटी पेरिप्लेनर लेके आऊंगा तो जो C5H7 है वो कहाँ चला जाएगा आप ही बताओ, अगर मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट किया है, क्यों रोटेट किया, क्योंकि मैं इसको फैल्किन एंड मॉडल के रिस्पेक्ट में लाना चाहता हूं, तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन हमारा आ जाएगा। तो पहला सवाल यही हुआ दोस्तों कि मुझे इसको ना एंटी पेरिप्लेनर फॉर्म में लाना पड़ेगा, किसको, सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बोनिक ग्रुप। अब मुझे उस फेस से अटैक करना है जिस फेस से हमारा सबसे लीस्ट बल्कीएस्ट ग्रुप है, तो जरा देखिए हाइड्रोजन जो है वो अबव द प्लेन है, और अगर हाइड्रोजन अबव द प्लेन है तो अटैक भी अबव द प्लेन से होगा, तो जरा सब लोग ढंग से देखते चलिएगा सर जी, यहां मेरे पास क्या है SiMe3, यहां मेरे पास C5H11, यहां मेरे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं सर, यहां मेरे पास क्या लगा हुआ है, एन प्रोपाइल, ठीक है। अब अटैक जो हुआ है वो किधर के फेस से हुआ है, अबव द फेस से हुआ, इस फेस से हुआ अबव द, तो इसका मतलब जो CH3 ग्रुप लगा होगा वो कैसा लगा होगा, अबव लगा होगा, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां चला गया होगा, बिलो द प्लेन जा चुका। तो पहला सवाल यही है कि सर इसको जब अटैक कराओगे तो आपको किस फेस से अटैक कराना है, जिधर से हाइड्रोजन रहा होगा अबव द प्लेन उधर से आपको अटैक कराना। अब अगला सवाल क्या होगा, गौर फरमाएं, यहां तक हमारे पास क्या लग गया, दिस इज योर OH, अब इसको हमें OH में कन्वर्ट कर देना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
आपको समझना पड़ेगा कि सर यहाँ मेरे पास सिलिकॉन लगा हुआ है, यहाँ मेरे पास हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। अगला कंडीशन टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का, इसका मतलब ये बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है दोस्तों। अगर बेसिक कंडीशन है तो दिमाग क्या चलेगा कि सर सिलिकॉन और हाइड्रोक्साइड को कैसे लगाया जाए, थिन पेरिप्लेनर फॉर्म में लाया जाए। क्यों? क्योंकि सर ये एंटी ग्रुप आपके सामने थिन एलिमिनेशन होंगे, तो अगर मैं इसको थिन पेरिप्लेनर लेके आना चाहूंगा तो कैसे लेके आऊंगा बताओ? क्या मैं हाइड्रोक्सिल और सिलिकॉन को, यहाँ सिलिकॉन तो थिन मैनर में है ही, SIM3 नीचे लगाई हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बोलो। यहाँ मेरे पास क्या है, C5H11 है और यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब मैं OH को यहाँ लाना चाहता हूँ, रीजन क्या आपको पता चली गया होगा, इन दोनों को थिन लेके आते हैं और अगर इन दोनों को थिन पेरिप्लेनर लेकर के आ रहे हैं तो अगर मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट किया है दोस्तों, कितना 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी आप सोच सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया मैंने इसको, तो बताइए सब लोग ढंग से बताइएगा क्योंकि ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जब आप इसको रोटेट करेंगे 120 डिग्री रोटेट करेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे एन प्रोपाइल ग्रुप लगा, जब इसको आप रोटेट करिएगा तो CH3 कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा होगा, और एन प्रोपाइल ग्रुप कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन चला जाएगा। पहले यहाँ तक बताइए सब लोग कई बात को समझ पा रहे हैं। तो सर यहाँ पे मेरे पास जो H ग्रुप है और जो N प्रोपाइल ग्रुप है वो सेम आ जाएंगे, है ना। और अब यहाँ से जब तुम इसको एंटी एलिमिनेशन के लिए भेजोगे, एंटी एलिमिनेशन के लिए जब ये जाएगा तो फिर जा करके यहाँ पे हमारी जो अल्कीन बनेगी, अल्कीन उसमें गौर फरमाएंगे, C5H11 जो है उसके तरफ क्या लगा हुआ है, CH3, और H जो आपका है उसकी तरफ क्या लगा हुआ है, N प्रोपाइल ग्रुप आपका लगा हुआ मिले। तो यही आपकी जो स्टीरियो जो आएगी, C5HCH3 के साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए और H के साथ N प्रोपाइल ग्रुप लगा होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे बच्चों? क्लियर है दोस्तों? तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराया है, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फैल्किन एंड मॉडल को यूज करना था। फैल्किन एंड मॉडल को यूज करके हाइड्रोक्सिल और सिलिकॉन के बीच क्या रिलेशन होगा वो पता करना था, एंड उसके बाद हमारा अल्कीन फॉर्मेशन होता। ओके प्रथम, हेलो, चलिए सब लोग को ये बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से मुझे एक बार जल्दी से बता दो भाई, क्या सब लोगों को ये गॉट इट हो गया? क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सिलिकॉन डेरिवेटिव का दोस्तों। अगर ये सवाल आप समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, जल्दी से बता दो सब लोग, जल्दी से बता दो भाई। समझ सकते हैं ना? हाँ, जिन बच्चों को इन क्वेश्चंस के PDF चाहिए होंगे, ये स्लाइड्स चाहिए होगा, वो डायरेक्टली हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ स्टडी मटेरियल का जो ऑप्शन है उसमें आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे, जिनको PDF चाहिए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं डाल रहा हूँ, चलिए जरा इसको सॉल्व करें। ये भी जियोफिल का क्वेश्चन है, सब लोग इसको सॉल्व करेंगे, आइए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए तो इसका मतलब सर, अगर इस सवाल को हम लोग करने जाएं तो किस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे, जस्ट सोचते हैं इसके बारे में। अरे यार क्या हो गया ये, चलो भाई इस क्वेश्चन को जरा सभी लोग सॉल्व करके देखते हैं, है ना। जरा बोर्ड में देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ इथाइल लिथियम, जरा गौर से देखेंगे, और इथाइल लिथियम यहाँ पे क्या काम करें? तो सब लोग एक बार ढंग से सवाल को देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पे आपके पास है दोस्तों सिलिकॉन SiR3,
तो जरा बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पे हमारा जो ब्यूटाइल लिथियम जो आप देख रहे हो, इथाइल लिथियम ईटी माइनस है, ये ईटी माइनस क्या कर सकता है? जैसे हम लोगों ने विटिक रिएजेंट में जब पढ़ा था तो हमने देखा था ना यहाँ पे पीपीएस 3+ होता है, सब लोग ध्यान से देखो, तो मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक मार देता है। क्यों? क्योंकि जब ये अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैच होता है तो माइनस चार्ज फॉस्फीनियम के पड़ोसी वाले कार्बन पे बन जाता है, तो इसका मतलब ये अनायन स्टेबलाइज होता है फॉस्फोरस के वैकेंडी ऑर्बिटल से। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी जो ईटी माइनस है बच्चों, सबसे पहले वो माइकल एडिशन करता है, माइकल एडिशन के तरीका रिएक्शन करता है और ये क्या बन जाता है, यहाँ जरा गौर से देखिएगा, SiR3 मान के चलिए यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा और ये जो इथाइल ग्रुप है वो यहाँ पे आपके लग जाएगी। इसीलिए देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट में नॉर्मल प्रोफाइल लगा के दिया हुआ है, तो ये प्रोफाइल आया कहाँ से, रिएक्टेड में तो ऐसा तो कुछ लगा हुआ नहीं था। इसलिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो स्पेसिस क्रिएट होंगे दैट विल बी द पोजिशन यहाँ पे लिथियम आयन की होगी। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा सिलिकॉन के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो लिथियम है, ऑर्गेनोलिथियम स्पेसिस जो क्रिएट हुआ है, ये इनके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहला तो यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ बी ऑप्शन जो दिया गया, बी ऑप्शन जरा गौर फरमाए, तो बी क्या दिया हुआ है कि जैसे ये बनेगा उसके बाद यहाँ पे डाल करके दे दिया गया है यू हैव अ एल्डिहाइड, क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड, और वो भी हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है एन प्रोपाइल, यानी नॉर्मल प्रोपाइल एल्डिहाइड हमारा बना करके गिवेन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर पहला तो हमारा इथाइल लिथियम है जिसने अटैक कर दिया, उसके बाद एन प्रोपाइल एल्डिहाइड है, तो ये ऑर्गेनोलिथियम क्या करेगा, ये डायरेक्टली इस पे अटैक मार देगा, और जब इस पे अटैक मार रहा होगा तो हमारे पास जो कार्बन बनेंगे, मुझे बताइए यहाँ पे जब ये अटैक मार देगा तो क्या बनेगा, सब लोग एक बार अच्छे से देखिएगा, SiR3 है सर, यहाँ मेरे पास ये पूरा का पूरा ग्रुप को मैं प्रोपाइल ग्रुप लिख दूं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रोपाइल ग्रुप पूरा का पूरा लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब ये अटैक मारेगा सर तो यहाँ क्या बन गया है, ओपे माइनस, यहाँ पे क्या लग गया होगा, एन प्रोपाइल लग गया होगा कि नहीं लग गया होगा, बिल्कुल। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, ये अमोनियम क्लोराइड इस ओ माइनस को कैसा कन्वर्ट कर देगा, OH में कन्वर्ट कर डाले, लीजिए सर ये अल्कोहल बन गया। उसके बाद गौर फरमाए यहाँ CrO3 है, और अगर ये CrO3 को डाला जाए तो ये CrO3 इसको क्या कन्वर्ट कर देगा, दिस विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको किसमें बना देगा, इसे एक कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और यहां मेरे पास क्या लगा होगा, SiR3 एंड हियर यू हैव अ एन प्रोपाइल ग्रुप यहां पे मौजूद, समझ में आया किसी को। तो इसका मतलब ये जो बच्चों पहला जो हमारा प्रोसेस है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्या किया इसमें, इथाइल लिथियम ने अटैक किया, अनायन बना, फिर इसने अटैक किया, फिर हमारा अल्कोहल बनके तैयार हुआ। अब ये जो तर अल्कोहल बनके तैयार हुआ, बात बताइए, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और ये प्रोडक्ट बनके तैयार, एंड देन आफ्टर आपसे क्या बोला गया है, डाइबल एच, आप मुझे बताइए ये जो डाइबल एच है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है, बताइए जरा, बिल्कुल। डाइबल एच का मतलब क्या है सर, एल्युमिनियम हाइड्राइड है और आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है ना भाई, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के फॉर्म में ये लगा हुआ है दोस्त। अब मेरा सवाल ये है कि जब ये इसको रिड्यूस करेगा तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि सर जब ये रिड्यूस करेगा तो इसको क्या बनाएगा फर्दर, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे इसको अटैच कराऊं तो इसने ऑक्सीडेशन करा दिया था, ऑक्सीडेशन करा कर किसने क्या बना दिया इसको, डाइबल एच ने फर्दर इसको रिड्यूस किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये रिड्यूस करेगा, तो याद रखिए सब लोग ध्यान से देखो यार, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस होंगे, अब ये भी क्या होगा, चूंकि ये काइरल सेंटर बन चुका है, गौर फरमाइएगा सभी लोग, जी सर ये काइरल सेंटर हमारा बन चुका है, और अगर ये काइरल सेंटर है तो जब रिडक्शन होगी यहाँ पे, और जब रिडक्शन होगी तो सर ये जो हमारा अल्कोहल बनेगा वो भी स्टीरियो सेलेक्टिव अल्कोहल बनेगा, तो एग्जाम में मुझे इसकी स्टीरियो तो गिवन नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना प्रोडक्ट में इसकी स्टीरियो किसकी दी हुई है, सिलिकॉन की। तो समझिए इस बात, हमें अगर यहाँ पे स्टीरियो पता नहीं है कि सर सिलिकॉन और प्रोपाइल ग्रुप की स्टीरियो क्या होगी, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट को देखते हैं, क्योंकि मेरे पास चार ऑप्शंस होंगे, चार ऑप्शंस जो होंगे उसमें से ध्यान से बात को देखना, चारों ऑप्शन में सिलिकॉन की स्टीरियो जो यहाँ पे अल्फा सेंटर होती है ना उनकी सॉरी उनकी स्टीरियो आपको चेक कर लेनी है, और एग्जाम में सबसे पहले हमारा जो मॉडल तैयार हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, गौर से देखते चलना। सर जी कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ एन प्रोपाइल ग्रुप है, और ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना करके दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टीरियो तय कर लेनी, SiR3 में कन्वर्ट कर लेना। इसका मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना होगा
डाइबल एच के बाद वो प्रोडक्ट कैसा बना होगा दोस्तों, ये प्रोडक्ट आपको मानना। आपने बोला सर ये प्रोडक्ट मैंने क्यों मान लिया बिलो द प्लेन, क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस बने होंगे उन ऑप्शनों में हमें सिलिकॉन की स्टीरियो मेंशनड होगी, तो बाय डिफॉल्ट हम अपने रिएक्टेंट में उसकी स्टीरियो को मेजरमेंट पहले ही कर लें, और उसके बाद की चीजें हम लोगों को कर लेनी है। सर यहां मेरे पास क्या लगा होगा, डाइबल एच। अब एक बार आपको डाइबल एच पता चल गया ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो अटैक किधर से करेगा, किस फेस से अटैक करेगा, ये आपको डिसाइड करने आना चाहिए। पहले मुझे बताइए क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, तो यहां तक हम लोग चल पाए, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आप बोलोगे सर यहाँ हाइड्रोक्सिल यहाँ सिलिकॉन तो आ ही गया था, फिर क्या करते, फिर मैं कहता भैया यहाँ जो CrO3 था उसका क्या यूज करोगे, है ना, एग्जाम में दिमाग चलेगा सर CrO3 का क्या यूज करेंगे, तो इसको ऑक्सीडेशन करा दो, फिर दिमाग चलेगा डाइबल एच दिया हुआ है, अच्छा फिर तो रिडक्शन हो ही जाएगा, तो फिर इसको रिड्यूस करा के आपको प्रोडक्ट बना। लेकिन हाँ, अब फिर से जब इसको रिड्यूस करोगे ना, तो फिर से फैल्किन एंड मॉडल का यूज कर लीजिएगा। किसका यूज करेंगे हम लोग, फैल्किन एंड मॉडल का यूज करें, समझे कि नहीं समझे, और फैल्किन एंड मॉडल का यूज कैसे करना है आगे तुमको बताना होगा। तो ये वाला प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए, फैल्किन एंड मॉडल का जब यूज करोगे तो बस इसकी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सही वे से रिप्रेजेंट कर ले, ठीक है। ये पीएच, और यहाँ आपके पास लगा हुआ है एन प्रोफाइल, और यहाँ आपके पास सिलिकॉन है बिलो द प्लेन, तो प्लीज माइंड इट, सिलिकॉन आपका बिलो द प्लेन है और एच आपका अबव द प्लेन। बस आपको क्या करना है, सिलिकॉन को एंटी पेरिप्लेनर पहले ले आना है और उसके बाद प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा ये सवाल पेचीदा था, लेकिन हाँ इसके बाद वाली जर्नी हम लोग तय कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ वाली जर्नी आगे तय कर लीजिएगा कैसे क्या करना है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन को क्या ले आइएगा, एंटी पेरिप्लेनर पहले ले आइएगा, यहाँ प्रोपाइल ग्रुप है या क्या, हाँ प्रोपाइल ग्रुप, तो यहाँ पे सिलिकॉन और कार्बोनिल को एंटी पेरिप्लेनर ले आना है, एंड देन आफ्टर आप इसको रिड्यूस करा के अल्कोहल बना सकते। तो आगे का काम आपको कर लेना है बच्चों, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, बाद में ये H2SO4 दिया हुआ है, एसिडिक कंडीशन डाला गया है, और एसिडिक कंडीशन से आप अल्किन बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा प्रोसेस का लंबा था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट जुफिल का अनसॉल्व क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आए तो आप थोड़ा परेशान हो जाए, लेकिन हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझ में रख लेना पड़ेगा। चलिए आगे मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है, आगे की जर्नी आप तय करेंगे। फैल्किन एंड मॉडल से मैंने बता दिया, सीओ को और सिलिकॉन को एंटी पेरिप्लेनर रख करके लिस्ट स्टेरिक हिंडर्ड फेस से आप हाइड्रोजन को डिलीवर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हां जी यस, चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा पिछले जो सवाल है, पिछला जो सवाल मैंने आप लोगों को भी करा दिया है, कितने लोगों को कितना परसेंट समझ में आया, क्योंकि वो टिपिकल सवाल था, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था, है ना। कितने लोगों को कितना सवाल समझ में आ गया है, कंप्लीट द क्वेश्चन। ऐप वाले बच्चों आप भी करिए, तनुश्री सरनया कंप्लीट द क्वेश्चन, बाकी लोग इधर थोड़ा बताना क्योंकि वो सवाल डिफिकल्ट था, ठीक है भाई। चलिए अगर इस सवाल को हम लोग देखें तो दिमाग में क्या चलेगा, जी सर यहाँ मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और सिलिकॉन है, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कि नहीं है, हाँ सर ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या होगा, सर जी इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक मारना, और जैसे ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक मारेगा हमारा दिमाग तंदुरुस्त से चल चुका होगा, कैसा सर जी, जब ये अटैक मारेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, ओपे माइनस, और यहाँ पे CSiME3 बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये ऑक्सैलिक एसिड दी गई है, तो ये हमारा एसिडिक कंडीशन ही तो है, अगर एसिडिक कंडीशन ही है तो हम क्या करेंगे सर जी, इसे हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, OH में कन्वर्ट कर देंगे, और एसिडिक कंडीशन है तो फिर क्या करना है आप ही बता दो सर जी, ये OH और सिलिकॉन को यहाँ से क्या कर दे, बाहर निकाल दे, बिल्कुल बाहर निकालेंगे सर, और क्या बना देंगे, जी सर यहाँ अल्कीन, और यहाँ भी क्या बन जाएगी अल्कीन। लेकिन एक बात का ध्यान दें, यहाँ जो O सिलिकॉन के साथ ये जो ग्रुप लगे होते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये ग्रुप याद रखिएगा जी हाँ एसिडिक कंडीशन में डिप्रोटेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास OTMS ग्रुप होता तो OTMS ग्रुप क्या होता, डिप्रोटेक्ट हो जाता एसिडिक कंडीशन। तो ये सवाल एक क्लेडन का सवाल है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बस यहाँ पे याद रखिएगा डिप्रोटेक्शन नहीं होगा, टीएमएस होता है, ये टीबीएस ग्रुप है, ये एसिडिक कंडीशन में डिप्रोटेक्ट नहीं होंगे, पर हाँ आपके पास टीएमएस ग्रुप होते तो वो एसिडिक कंडीशन में डिप्रोटेक्ट हो जाते। चलिए राजकुमार रिवानी जी कह रहे 99%, बाकी लोगों को लगता है क्लियर नहीं हुआ था वो सवाल, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, काफी लंबा सवाल था ना यार, ठीक है मेरे साहब, ये सवाल करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अप्रोच कर सकते हैं, बाकी यहाँ ये ग्रुप को लगा दीजिएगा, जैसा ये लगा हुआ था उसमें चेंज आपको नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक सवाल और इम्पोर्टेंट कौन सा था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा ताकि आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, आप उसको खुद से प्रैक्टिस कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ इस क्वेश्चन को आगे जरूर कंप्लीट करिएगा, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आगे जरूर कंप्लीट करना है सबको। चलिए अब ये क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, दैट इज फॉर कैरुथर, और इसको हम लोग ये आपका चैप्टर में दिया हुआ है कैरुथर के, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए एक बार बोर्ड पे देखिए, ये तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल है, मेन स्टार्टिंग मटेरियल हमारा ये, और इस स्टार्टिंग मटेरियल में हमने डाला है एक तरफ राइट साइड में सोडियम हाइड्राइड को डाला हुआ है और लेफ्ट में हमें BF3 दिया हुआ है, BF3। तो सोडियम हाइड्राइड अगर देखेंगे तो दिमाग चलेगा सर ये कैसी कंडीशन है, दिस इज अ एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन, बेसिक है, अगर बेसिक कंडीशन है तो सिलिकॉन और यहाँ पे पड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल, तो हम क्या बोलेंगे सर, सिलिकॉन और हाइड्रोक्सिल है तो ये कैसा एलिमिनेशन हो जाएगा, दिस विल बी अ थिन एलिमिनेशन, तो अल्किन किधर बन जाएगी, राइट तरफ, राइट। और यहीं पे अगर ये BF3 कंडीशन है यानी ये एसिडिक कंडीशन है, और अगर ये एसिडिक कंडीशन है तो सर जी यहाँ हाइड्रोक्सिल और सिलिकॉन जो है ये दोनों आपस में एंटी फॉर्म में है, तो एलिमिनेशन लेफ्ट साइड से हो जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लेंगे भाई। एंटी परसेंट समझ में आया था लास्ट वाला, चलिए गुड गुड, चलो कंटिन्यू करते रहो, आगे बढ़ते रहें, ऐप वाले बच्चों आप भी कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, लाइव सेशन को आप भी ज्वाइन करते रहेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से डील कर सकते हैं हम लोग, बोलो पक्का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये मैंने पीटरसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सर पीटरसन को अगर प्रिपेयर करना हो तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, समटाइम्स फैल्किन एंड मॉडल के साथ उसके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, डायरेक्ट एंटी एलिमिनेशन हो तो क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब मैं आता हूँ जूलिया रिएक्शन के बारे में, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जूलिया ऑलिफिनेशन रिएक्शन। चलिए जूलिया ऑलिफिनेशन के भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी मिल जाते हैं, तो क्यों ना हम उसको भी, थोड़ी छोटी सी चीज है, उसको छोड़ के जाना नहीं है, उसको कंप्लीट करके ही हम लोग जाएंगे। तो जूलिया ऑलिफिनेशन के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको लास्ट क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं बच्चों। अब हमारा मेन मुद्दा है कि इस पे रिलेटेड जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चनों को हम कैसे अप्रोच करें। चलिए शुरू करते हैं इस छोटे से क्वेश्चन के साथ, ठीक है बच्चों। पहले अगर मेरे पास यहाँ ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है, दिमाग चलेगा सल्फोनाइल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन होगा, आपका दिमाग तो पूरी तरीके से तेज हो चुका है, चल जाएगा, बोलो बिल्कुल चल जाएगा सर। यहाँ मेरे पास Me है, यहाँ SO2PH है, और यहाँ सबसे पहले क्या लगेगा, लिथियम, और उसके बाद यहाँ डाला हुआ है सर एल्डिहाइड, आप ही मुझे बताइए। अगर ये एल्डिहाइड को डाला गया है तो ये जो माइनस चार्ज है ये डायरेक्टली इस पर अटैक करके क्या बना देगा, इसको O- में कन्वर्ट कर देगा कि नहीं कर देगा, बताओ, बिल्कुल कर देगा सर। तो सबसे पहला हमारा टारगेट यही होगा कि सर इसको अगर हम लोग अटैक करा दें तो पहले हमारे पास क्या लग जाएगा, ये कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड बन जाएगा और इसी पे क्या लगा होगा, हाइड्रोक्सिल, और इस पे क्या लगा होगा, सल्फोनाइल ग्रुप आपका लग के तैयार हो जाएगा। तो जूलिया रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, सल्फोनाइल ग्रुप होते हैं। उसके बाद जरा गौर से देखिए, यहाँ डाला गया है MeSOCl2, और MeSOCl2 का काम क्या होगा पता है आप लोगों को सर, MeSOCl2 का काम क्या होगा, यहाँ पे SOCl2 है और यहाँ Me है और ये Cl है, तो डेफिनेटली ये जो O है वो इस पे अटैक करके Cl को बाहर निकालेगा। तो हम लोगों को समझ में आ चुका होगा सर जूलिया रिएक्शन की पहचान सल्फोनाइल ग्रुप से होती है, और जैसे ही आगे की ओर बढ़ रहा है आप मुझे बताइए, ग्रुप जो लगा हुआ उसको रहने दीजिए, यहाँ मेरे पास Me ग्रुप है और यहाँ SO2PH ग्रुप। अब जैसे इस पे अटैक करेगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OMS ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हमारा OTS ग्रुप होता है, OTS ग्रुप होता है, वैसे ही हमारे पास क्या बन जाएगा,
OMS ग्रुप बन जाएंगे और ये क्या होंगे, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे। तो एक सल्फोनाइल है, उसके बगल वाले पड़ोसी पे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर मेरे पास एक OMS ग्रुप लगा हुआ है और सल्फोनाइल ग्रुप लगा हुआ है ना भाई, SOPH ग्रुप लगा, S डबल बॉन्ड OPH, यहाँ OMS हो, यहाँ OTS हो, यहाँ OAC ग्रुप हो, यहाँ O बेंजोइल ग्रुप हो, ये सब के सब क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप्स होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं। तो जब आप इसमें सोडियम अमलगम को डालते हो तो मैंने आपको बताया ये किसकी पहचान है, सल्फोनाइल ग्रुप और OTMS ग्रुप क्या होंगे, यहाँ से इजी वे में दोनों लेफ्ट होंगे और जब लेफ्ट होंगे तो यहाँ क्या बनेगी, ई अल्कीन का फॉर्मेशन। तो प्लीज बच्चों इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, एग्जाम में पहचानना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से हमें पूछा जा रहा है, समझ गए बात। तो जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली स्टार्टिंग मटेरियल हमें बनाना पड़ता है और उसके बाद हमें प्रोडक्ट ड्रॉ करना पड़ता है। बोलो बच्चों इज दैट ओके फॉर एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़े, ट्रांस अल्किन बनेगा, वेरी गुड सर नया, ट्रांस विद अ मेजर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, यस सर, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलिए डरिएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन अगर बड़े बड़े क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं ना तो हमें उसका यूज टू होना पड़ेगा। कभी कभी बहुत बड़े स्ट्रक्चर देख करके बहुत बच्चे उसको ऐसे गिव अप कर देते हैं, वो सोचते कि हमसे होगा ही नहीं, हम आगे बढ़े क्यों, हमको सवाल दिख ही रहा है ऐसा कि जिससे हमको सोचने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, पर ऐसी बात नहीं है। आपने अगर ऑर्गेनिक को थोड़ा भी वक्त दिया है, टाइम दिया है, अच्छे से पढ़ाई करी है तो ना उसमें अच्छे से कोशिश किया जाए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव अ ब्यूटाइल लिथियम। अब जरा बताइए ब्यूटाइल लिथियम देखते ही दिमाग तो चलेगा, लेकिन हाँ सवाल आपने प्रैक्टिस की होगी तभी आप एग्जाम में इसको कैच कर पाओगे, दिस इज द सवाल ऑफ जूलिया, अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो जूलिया समझ में नहीं आएगा। तो सर यहाँ मेरे SO2 pH है और ब्यूटाइल लिथियम डालते ही नेगेटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और जब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो एक बात बताइए यहाँ हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, तो अगर मैं इसको समझ पा रहा हूँ तो ये अनायन इस एल्डिहाइड पे अटैक कर देगा कि नहीं कर देगा बोलो, बाकी तो मैं बात इतना बड़ा ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। और यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा आप ही बताओ, ये जब अटैक करेगा तो यहाँ ओ पे माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिस विल बी ओ माइनस, और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बन चुका होगा SO2 pH का। अब इसको मैं पूरा आर ग्रुप लिख देता हूँ, इतना कौन एग्जाम में बार बार बनाना शुरू कर, समझ गए सर, यहाँ एसिडिक एनहाइड्राइड है, आहा लीजिए सर एसिडिक एनहाइड्राइड हमें क्या कहना चाह रहा है, एसिडिक एनहाइड्राइड हमें कहना चाह रहा है भाई ओ माइनस हमारे पास आओ हम तुम्हें स्टेबलाइजेशन देंगे, तो ये ओ माइनस इस पे अटैक करेगा, ओ एसी बाहर निकाल, तो कहने का मतलब है दिमाग चलना शुरू हो जाएगा सर, ये जो ओ माइनस था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ओ एसी में कन्वर्ट हो गया सर, इसका मतलब यहाँ जो भी ग्रुप लगा होगा मुझे नहीं पता, इतना बड़ा ग्रुप लगा के दिया हुआ है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ हमारे पास ओ एसी ग्रुप बन गया होगा और यहाँ मेरे पास बना होगा SO2 pH ग्रुप, यहाँ बना होगा R ग्रुप, ठीक है। अब अगर इसमें तुम सोडियम अमलगम डाल रहे हो, सोडियम अमलगम डाल रहे हो तो दिमाग चल गया होगा सर, यस सर OAC और SOPH दोनों बाहर निकलेंगे और यहाँ मेरे पास जो अल्किन बनेगी वो कैसी अल्किन बनेगी, E अल्किन विल बी द मेजर, है ना भाई, तो E जो हमारा अल्किन है दैट अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, कोई दिक्कत कर सकते हैं, यस। तो इनमें जो हमारे हमेशा जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन में हमेशा जो अल्किन बनती है वो कैसी बनती है, ई अल्किन आपको बनती है, तो पर हाँ एग्जाम में इसको पहचानने आने, बाकी तो आप कंप्लीट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आइए इस सवाल को भी जरा गौर से देखिए सब लोग, ट्राई करते रहेंगे सोचते रहेंगे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल चलते रहेंगे। चलिए सॉल्व कर लिए, ट्राई कर चुके होंगे, दिमाग चल गया होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये सल्फोनाइल ग्रुप जो है, दिस इज योर सल्फोनाइल ग्रुप और ये एक तरीके का हेटरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग होता है ना, तो इसको हम लोग मॉडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन कहते हैं, इसमें सोडियम अमलगम वगैरह का यूज नहीं होता, तो ध्यान से दिस इज मॉडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन,
जिसमें हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग का अगर हम यूज करते हैं, दिस इज मॉडिफाइड जूलिया, तो यहाँ भी हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर के एच एम डी एच डाला है तो ये जो कार्बन है ये एसिडिक होगा और यहीं से माइनस चार्ज एल्डिहाइड पे क्या करेगा, अटैक करना जाएगा। तो मैं डायरेक्टली करवा देता हूं तो आपको दिमाग तुरंत चल जाएगा। इसके बाद आपको मैकेनिज्म जूलिया ऑल्फिनेशन, जिसको डिटेल्ड मैकेनिज्म जाना है, वो आप नेम रिएक्शन का जो फोल्डर बना हुआ है, मतलब ध्रुवेद एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मिलेगा जूलिया ऑल्फिनेशन रिएक्शन के बारे में पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को जूलिया रिएक्शन और डिटेल्ड मैंने हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बारे में भी आपको बता दिया था, तो शॉर्टकट से भी काम चला सकते हैं। जिनको डिटेल जाना है उसको डिटेल्ड के लिए मैंने इसको पढ़ा रखा है, आप इसको देख सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों, यहां से जो कार्बन आप बना रहे हो, ये जो कार्बन आपका बना हुआ है इस कार्बन में और यहाँ जो आपके एल्डिहाइडिक कार्बन है, इनके बीच क्या बनेगा, अल्किन फॉर्म होगी। और ये अल्किन कैसी बनेगी, वी हैव अ ट्रांस अल्किन, जो भी बनना होगा इसको बना दीजिएगा, है ना। दिस विल बी अ जेड अल्किन, यहाँ पे ई अल्किन का फॉर्मेशन, ई अल्किन का फॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा। इसको क्या बोला जाता है, मॉडिफाइड जूलिया ऑल्फिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, यस दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड जूलिया ऑल्फिनेशन रिएक्शन। कर लेंगे, पहचान लोगे जूलिया को, पहचान लेना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी डील कर लोगे मेरे हिसाब से, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, है ना भाई। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, क्वेश्चन में दे रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो कभी जरूरत पड़े। आगे बढ़ते हैं, चलिए सर जी, यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन है, दिमाग बस यही लगा लेना है कि सर आगे कैसे बढ़ना है। ये मेरे पास CPH है, CH2CH3 ग्रुप लीजिए सर, दिमाग चल गया होगा। ETMGBr ग्रिग्नार्ड है, माइनस चार्ज क्रिएट करेगा, हम तुरंत समझ जाएंगे सर यहाँ जो RMGX लगा के दिया हुआ है, RMGBr मुझे कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, समझ में आ गया होगा, यस सर ये माइनस चार्ज क्रिएट कर देगा, तो तुरंत दिमाग चल जाएगा, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं, हम समझ गए हैं, माइनस चार्ज क्रिएट कर देंगे और उसके बाद आगे की ओर दौड़ जाएंगे, क्योंकि सर एल्डिहाइड दिया हुआ है, ओहो एल्डिहाइड सर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस चार्ज अटैक कर जाएगा और जैसे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तुरंत यहाँ HCO ग्रुप लगा हुआ है जो उसको OH बना देगा, उसके बाद सोडियम अमलगम आया ही है किसके लिए, जूलिया ऑल्फिनेशन के लिए, तो जहां पे एल्डिहाइड बना हुआ है दोनों अल्किन क्या बन जाएगी, ई अल्किन फॉर्म हो जाएगी। चलिए सर जी मैं इसमें टाइम पास नहीं करना चाहता, इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए हाँ भाई, इस सवाल को एक बार कर लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई सॉल्व करो इसको, राइट कर रहे हैं, दिमाग चला, चलिए दिमाग चला चुके होंगे आप लोग। देखिए बच्चों यहां पे जो दिया हुआ है पीटी यानी ये आपको दिया हुआ है सल्फोनाइल ग्रुप, दिस इज योर SO2 और ये तुम्हारा पीटी ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा पीटी, और ये जो पीटी ग्रुप है ना ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाला जो ग्रुप आप देख रहे हो ना यही आपका पीटी ग्रुप है, मतलब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा ग्रुप जो होगा ये इस कार्बन से ये पूरा सल्फोनाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, समझ लाइए इससे अटैच्ड है, इसी को हम लोग पीटी ग्रुप कहते हैं। तो समटाइम्स एग्जाम में ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बना के नहीं देगा, पीटी ग्रुप बना करके दे देगा, हमें ध्यान से रखना पड़ेगा सर पीटी ग्रुप है इसका मतलब मॉडिफाइड जूलिया का सवाल आ चुका है, समझ गए बात को, बिल्कुल समझ। अब आपका दिमाग तेज होना चाहिए, फिर क्या लगा हुआ है, जी सर ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये कार्बन क्या होगा एसिडिक होगा, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है ये लिथियम फॉर्म कर जाएगा, KHMDS है, माइनस चार्ज क्रिएट कर दोगे, यहाँ कार्बोनाइल फॉर्म हो जाएंगे, समझ गया ना, बेस डाला गया, बेस दिस बेस विल डीप्रोटोनेट दिस कार्बन हो गया, उसके बाद यहाँ एल्डिहाइडिक कार्बन है, जरा गौर से, तो कहने का मतलब है जिस कार्बन पे हमारा ये पूरा का पूरा ये तो TSA ग्रुप पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा TSA ग्रुप है इस कार्बन से वो निकल चुका होगा और ये जो मेरा एल्डिहाइडिक कार्बन है वो ये वाला है ना भाई, और यहाँ क्या बन जाएगी ई अल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शॉर्टकट इतनी बार मार दिया यार, शॉर्टकट तो मार प्लीज। जहां से हमारा PTSA ग्रुप निकला उसके बगल वाले कार्बन से और एल्डिहाइडिक वाले कार्बन के बीच क्या बन जाएगा, दैट विल बी अ ई अल्किन। कोई दिक्कत किसी को भी थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। RMGX कैसे है निकाल सकता है बता दीजिए, RMGX बेस नहीं होता क्या, MH केमिस्ट्री जी 1-2 एडिशन होता है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को अगर वो सल्फोनाइल ग्रुप के बगल में RMGX दिया हुआ है ना
यहाँ पे सी एच टू के साथ, तब तो ये क्या करेगा, तब तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही है ना भाई। कभी मेरे पास आर सी एच टू एन ओ टू लगा हुआ, ऐसे कंडीशंस दिए हुए हो, एल्डिहाइड कीटोन ना हो, तब तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा ना आरएमजीएक्स। समझे कि नहीं समझे, चलिए आगे बढ़े। चलो भाई समझ में आ गया होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए एक सवाल और कंप्लीट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ज्यूफिल का। प्लीज बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ज्यूफिल, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट करिए, इंपॉर्टेंट करके नोट करिए एंड सॉल्व द रिएक्शन। चलिए सॉल्व द रिएक्शन बच्चों, ट्राई करिए, कोशिश करिए, थोड़ी सी भी, जितनी भी कोशिश आप कर सकते हैं ट्राई करिए, थोड़ा बहुत भी आ जाए तब भी ठीक है। चलिए अब मैं इसको बना रहा हूं, आप लोग इसको देखते। क्या पूछ रहे जी अंजी शुक्ला जी, कह रहे हैं सर जी आप गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करेंगे, गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करेंगे। यार ये तो बड़ा कठिन सवाल आपने पूछ दिया हमसे यार, गृहस्थ जीवन कर लेंगे जब मन करेगा तब कर लेंगे, अभी मन नहीं है, नहीं कर रहे हैं, जब मन करेगा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बच्चों, तो मेरे हिसाब से सवाल को जब आप देख रहे होंगे तो दिमाग चल रहा होगा कि सर इसके साथ करें तो करें क्या, पहला क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते चलिए सब लोग। हाँ जी सर, यहाँ मेरे सामने CH2 है और इसके सामने लिथियम बना के गिवन है सर, और यहाँ मेरे पास PH है, इसके साथ क्या लगा हुआ है लिथियम, दिस इज योर लिथियम आयन, और इसके सामने क्या बना हुआ है कीटोन, क्या करना है इनके बीच में बताओ सर, ये माइनस अटैक करेगा बॉन्ड को ओपन कर देगा, जब बॉन्ड को ओपन कर देगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आप ही बताइए, वी हैव दिस कार्बोनिल, और जब ये अटैक कर गया तो यहाँ क्या बन गया, ओपे माइनस बन गया कि नहीं बन गया, और यहाँ क्या लग गया क्या है ये CH2 है और SPH है ना, SPH, नो डाउट, सब लोग ध्यान से देखते चलो, यस सर यहाँ CH2 हो गया और यहाँ क्या बन गया SPH बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन डाइल्यूट HCl वर्कअप किया गया, इसका मतलब कुछ नहीं किया गया था, यहाँ पे जो हमारा OH बना है अटैक हुआ, यहाँ पे क्या बन गया OH बन गया, तो प्रॉब्लम किसी को बिल्कुल भी नहीं है सर। अब जरा मुझे बताइए यहाँ MCPBA दिया हुआ है, सब लोग ध्यान से देखिए MCPBA, तो ये MCPBA का काम क्या होगा, यहाँ जो MCPBA का काम क्या होगा, तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है, आप इस बात को ध्यान से भी देख लीजिए, जब भी कोई सल्फर के ग्रुप होते हैं और आपने यहाँ MCPBA डाला है तो MCPBA इसको सल्फोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट करता है, या मोनोसल्फोनाइल कर देगा या डाइसल्फोनाइल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन तो MCPBA का काम क्या होता है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन का काम करता है और ये सल्फोक्साइड बनाने का काम कर देगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है ध्यान से देखते चलना, ये मेरे पास CH2 और यहाँ बन जाएगा S डबल बॉन्ड OPA, ये सल्फोक्साइड में इसको कन्वर्ट कर देगा और यहाँ मेरे पास क्या लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका मतलब ये जो MCPBA है ये सल्फोनाइल ग्रुप कराने का काम करने वाला है। एंड देन आफ्टर यहाँ दिया हुआ है POCl3 3 pyridine, और बच्चों ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं एलिमिनेशन करने वाले हैं एलिमिनेशन, तो जब मैं एलिमिनेशन करूंगा तो यहां हमारे पास S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड PH बन गया होगा और ये अल्कीन बन गई। अब तुम्हारा दिमाग चलेगा सर अल्कीन यहां भी तो बन सकती है, तो दोस्तों अगर अल्कीन यहां बन जाएगी तो हमें एग्जाम में खुद सोचना पड़ेगा किस तरीके से अप्रोच किया जाए सर, अगर मैंने यहां पे अल्कीन बना दी, क्योंकि ये जो रिएक्शन है दिस इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये जो आप सल्फोनाइल ग्रुप देख रहे हो ना POCl3 pyridine, ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं लिविंग ग्रुप बनाने में कन्वर्ट करते हैं, जैसे SOCl2 है ना भाई, ये सब इसको क्या करते हैं बेहतरीन तरीके से लिविंग ग्रुप बनाते हैं, और बेस का काम क्या होता है इसको एलिमिनेट कर दे। तो यहां दो तरीके से एलिमिनेशन हो सकती थी, यहां से वाटर निकल सकता था तो अल्किन ये बन जाती, और यहां से वाटर निकल जाता तो अल्किन इधर बन जाती है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि सर आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हम बैठे हैं तो ये थोड़ी सोच सकते हैं कि फिर भाई यही बना के बैठ जाए यही बना के बैठ जाए, आगे अप्रोच करना पड़ेगा, फिर सोचना होगा सर अगला स्टेप हमारा क्या है ब्यूटाइल लिथियम, उसके बाद एल्डिहाइड का है, तो
तो हमें अब सोचना होगा कि सर ब्यूटाइल लिथियम और एल्डिहाइड अगर गिवन है तो डेफिनेटली, और सोडियम अमलगम भी गिवन है, तो ये सवाल किसका है? दिस इज द जूलिया ऑलिफिनेशन रिएक्शन। थोड़ा ध्यान चलेगा कि सर आगे का स्टेप जो हमें करना होगा उसमें थोड़ा सा परेशानी मोल लेनी पड़ेगी। यस सर, ब्यूटाइल लिथियम है तो डेफिनेटली इस जगह पे हमें छोड़ना पड़ेगा हाइड्रोजन को, ताकि ब्यूटाइल लिथियम इस एच को बाहर निकाल पाए। हाँ भाई, MCPBA की जगह पे बिल्कुल आकाश, HIO4 भी यूज कर सकते हैं, NIO4 भी यूज कर सकते हैं, H2O2 भी यूज कर सकते हैं, जो सल्फर ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट कर सके। अब इसको अगर ब्यूटाइल लिथियम आपने डाल दिया, तो ब्यूटाइल लिथियम डालते ही क्या बनेगा बच्चों? अब आगे समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि अब ये ब्यूटाइल लिथियम PSCHO है, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे, SO2PH बना दो, ब्यूटाइल लिथियम माइनस चार्ज क्रिएट कर देगा, और PSCHO दिया हुआ है, लीजिए सर कोई दिक्कत ही नहीं, आगे ये माइनस इस पे अटैक करेगा, और जब ये माइनस इस पे अटैक कर रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, यस सर यहाँ SO2PH लगा के दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो ये पीएच बन जाएगा, और यहाँ ओ माइनस, और एसिडिक एनहाइड्राइड है तो OAC, और जैसे यहाँ सोडियम अमलगम डाल दिया जाए, क्या सोडियम अमलगम को डाल दिया जाए सर, तो फिर क्या होने वाला है सर जी, यहाँ OAC ग्रुप जो लगा हुआ है और यहाँ पे जो सल्फोनाइल ग्रुप है, ये दोनों यहाँ से क्या होंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, और लेफ्ट होते ही क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बच्चों? चलिए, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट यू कैन डू इट। तो ये आपका एक अच्छा सवाल है जुपिल का, जिसको आप लोगों को कंप्लीट करना चाहिए, कर लेंगे, आगे बढ़े बच्चों। ठीक है जी, जल्दी से मुझे बताते चलिए सभी लोग। एफ वाले बच्चों, तनुश्री सरनिया, दैट ओके, चलिए चलिए बच्चों, तो ये कहानी सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। तो जो सवाल मैंने अभी इतना डिफिकल्ट आपको दिया था, उस सवाल का एक पार्ट, ये रेडीमेड बना करके अगर गिवन हो तब तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, आप इसको अल्टीमेट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फील करते चलेंगे बिना किसी स्ट्रेस, फाइन, आगे बढ़ते चलें। हेलो, ठीक है, इसको कवर कर लो, आप लोग कंप्लीट कर लो, खुद से एक बार कंप्लीट कर लो, जल्दी से कंप्लीट कर लो, सवाल बना लो खुद से एक बार, कैसे अप्रोच करोगे, फटाफट इसको कर लो। काजल जी कह रही है सर एग्जाम के लिए सोचना तो सिखा दिया। ठीक है जी, तो अप्रोच कैसे करना है, देखो ऑर्गेनिक के लिए हम ना कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते, हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से हम ऑन टाइम अप्लाई करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ता है ना, प्रोडक्ट को देख करके कुछ इमेजिनेशन करनी पड़ती है कि आगे क्या हुआ होगा, समटाइम्स हम किसी क्वेश्चन में फंस जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं तो फिर आगे जो हमारे रिएजेंट यूज होते हैं वो हमारी मदद कर रहे होते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमें बनाना है, प्रोडक्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, है ना भाई। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके होंगे मेरे हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन मेटाथेसिस रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, शुरू करते हैं बच्चों। अल्किन मेटाथेसिस रिएक्शंस का मतलब क्या होता है सबको पता है, ऑर्गेनिक जी पूछ रहे हैं कि भैया एक बात पूछनी थी, पूछ लीजिए भाई साहब, क्या दिक्कत है, हमने मना किया है कुछ पूछने के लिए कभी? चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट करें, चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। अब अल्किन मेटाथेसिस रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं और कैसे अप्रोच करना है, सबको पता होना चाहिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने जूलिया ऑलिफिनेशन पीटरसन के अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रख दिए थे, आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, एंड देन हम बात करेंगे ऑल्फिन मेटाथेसिस। चलिए, इसके बारे में जो मेन कॉन्सेप्ट है क्या होता है ऑल्फिन मेटाथेसिस में, क्या चीजें होती है, वो बात आपको पढ़ा दी गई है, जिन बच्चों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले जाके वो अटैच करिएगा, अटेंड कर लीजिए, ठीक है। आइए, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं डाल दूंगा ताकि आप उसको देख पाएंगे। अब मैं इस सवाल को अप्रोच करता हूं, तो बच्चों जरा गौर से देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये कैटलिस्ट को ध्यान से देखना होगा, ये क्या है, दिस इज योर ग्रफ्स कैटलिस्ट ना, हाँ सर ये मेरा कौन सा कैटलिस्ट है, दिस इज योर ग्रफ्स कैटलिस्ट, और सर ये ग्रफ्स कैटलिस्ट है, दिमाग चलेगा। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है बताओ,
जी सर, सबसे पहले 2+2 साइक्लोरीथन करना पड़ता है, कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो जब हम लोग ग्रब्स कैटलिस्ट को यूज करेंगे तो सबसे पहले 2+2 साइक्लोरीथन करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2+2 साइक्लोरीथन हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन जो लगा उसको रहने दीजिएगा। अब जैसे ये 2+2 बनता है तो मैंने क्या बताया, ये जो हमने बॉन्ड बनाया है, दिस इज आवर न्यू बॉन्ड, ये कैसे बॉन्ड है, नए बॉन्ड है। अगर ये नए बॉन्ड है तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, सर जो नए बॉन्ड है ना उसको रहने दीजिए, पुराने बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो सर ये जो पुराना बॉन्ड है ये टूटेगा, और जब पुराना बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा आप बताइए? जी सर, ये अगर पुराना बॉन्ड टूट जाएगा तो हमारे सामने यहाँ पे क्या बन जाएगी, हाँ जी सर, ये हमारा अल्कीन फॉर्म हो जाएगा, ये तो अमाइड रहेगा ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा सर जी, अल्कीन, ट्रांसपोजिशन ऑफ अल्कीन होता है, ऑल्फिन मेटाथिसिस में क्या होता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ अल्कीन होते हैं, अल्कीन एक दूसरे जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, ये हमारे पास एक पहला प्रोडक्ट बन जाएगा। और एक बार ये प्रोडक्ट बन गया उसके बाद यहाँ रिएजेंट डाला गया, बताए H2 डाला गया है पैलेडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मतलब ये हाइड्रोजिनेशन का सवाल है, और हमें पता है हाइड्रोजिनेशन यानी अगर मुझे H2 पैलेडियम दिया गया है तो H2 पैलेडियम जो है बच्चों वो कौन से पोर्शन पे अटैक मारने वाला होगा आप ही बता दो। हाँ जी सर, ये मेरे पास कीटोन वाला पोर्शन है, अमाइड है, कार्बोनिल है, और ये मेरे अल्कीन है, किस पे अटैक मारने वाला होगा? तो सबसे पहले वो अटैक इसी पे मारता है, अल्कीनों पे अटैचमेंट होती है, हाइड्रोजिनेशन होता है बच्चों। उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी दिया हुआ है, आप बताइए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, अमाइड को रिड्यूस करेगा, और अमाइड जब रिड्यूस होती है तो अमीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुल मिला के बात ये रहा कि मेरे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है ये मेरे पास एक 6 मेंबर की एक रिंग कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कीन खत्म हो गया, कीटोन खत्म हो गया, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन तैयार हो जाए, कर लेंगे ये काम। हाँ जी ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री कहाँ से पढ़े, बिल्कुल न्यू से सर। अच्छा बिल्कुल नए से पढ़ना है, तो देखो बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए एक बुक आती है सुब्रतो सेन गुप्ता, है ना, पीएस कलसी की बुक, सुब्रतो सेन गुप्ता की बुक, क्लेडन की बुक, एंड पीएस कलसी के अलावा नासीपुरी, ये चार किताबें हैं जो कि स्टीरियो को बेहद अच्छे तरीके से समझाने में आपकी मदद करते हैं। कौन कौन सा, सुब्रतो सेन गुप्ता, दूसरा पीएस कलसी, तीसरा क्लेडन, एंड देन नासीपुरी। नासीपुरी थोड़ा टिपिकल है बट सुब्रतो सेन गुप्ता, पीएस कलसी, ये दोनों बेसिक्स किताबें हैं जिससे आप मॉलिक्यूल को इमेजिन करना सीख सकते हैं। पर हाँ मैं कहूँगा अगर आप बिगनर हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप किताबों से इमेजिनेशन में नहीं आ सकते, किताबों को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से थोड़ा हम उस पर फोकस, मतलब होता है ना कि बिगनर को किताबों पर फोकस नहीं करना चाहिए कि सर वो अगर किताबों से गया सीखने कन्फ्यूज हो जाए, बट हाँ थोड़ी टीचर की मदद ले लीजिए फिर आसानी से आप कवर अप कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ये कंप्लीट कर लीजिए। अगर एग्जाम में मुझे दिया हुआ है ग्रब्स कैटलिस्ट, नाम ही केवल लिखा हुआ है दिस इज योर ग्रब्स कैटलिस्ट, तो आप क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे सब लोग, जल्दी से अप्रोच करो, कॉपी में बनाइए सभी लोग, फटाफट तेजी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए प्रोडक्ट बनाइए, सब लोगों के सामने प्रोडक्ट भी बना करके गिवन है, लेकिन तेजी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए फटाफट कर लीजिए बच्चों, चलिए फटाफट कर लीजिए, मेरे हिसाब से कंप्लीटेड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट कर लिया होगा, कैसे कंप्लीट किया होगा, दिमाग चल रहा होगा, यस सर, यहाँ पे सबसे पहले 2+2 साइक्लोडिशन करानी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ना दोस्तों नंबरिंग से सॉल्व कर, नंबरिंग बोले तो जैसे यहाँ पे आप 1 दे दीजिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 दे दोगे? हाँ सर दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या होगा अभी बताओ, यहाँ पे 2 और 7 का बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर, ये 2 है और ये 7 का बॉन्ड आपका बन रहा होगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 7, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 लीजिए सर जी, यहाँ पे पहले मुझे 6 मेंबर की रिंग देखने को मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, और जब रिंग मिल रही है तो एक बात बताइए, और यहाँ एक 4 मेंबर की रिंग देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी ना, तो 2 और 1 का बॉन्ड है, तो 1 और 8 का बॉन्ड बना, 2 और 7 का बॉन्ड बना, बाकी क्या है 3, 4, 5 और 6 है। तो सब लोग एक बात बताओ, यहाँ पे 2 पे क्या लगा होगा, एमी ग्रुप लगा हुआ मिलेगा हम लोगों को, 4 पे क्या लगा हुए हैं जरा गौर से देखिए, COET ग्रुप लगा दीजिए, COET ग्रुप, एंड यहाँ पे 7 और 8
जो है आपने नया बॉन्ड किसके किसके बीच बनाया है, वन और एट के बीच में न्यू बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब सर जो नए बॉन्ड है उनको तो रहने देते हैं, पुराने बॉन्ड को तोड़ डालते हैं। तोड़ डालिए, कैसे तोड़ोगे? ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा नया बॉन्ड बना हुआ है, तो वन टू के बॉन्ड और वन एट के बॉन्ड को तोड़ डालिए। और जब बॉन्ड को तोड़ दोगे तो सेवन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, रहने दो, तो आप क्या पाओगे? हाँ जी सर, यहाँ पे जब हम लोग प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो वी विल हैव दिस एल्कीन, और यहाँ पे एम ई और एम ई लग जाएगा, यहाँ पे आपके पास लगा होगा सी ओ ई टी एंड सी ओ ई टी। समझ गए? चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डील कर सकते हैं। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते। सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जल्दी से सब लोग फटाफट। चलिए, अगर इस क्वेश्चन को भी देखा जाए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी आप अंजाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से डील कर सकते हैं। ग्रफ्स कैटलिस्ट है, आराम से डील किया जा सकता है। बिल्कुल सर, यहाँ 2+2 साइक्लोडिशन के लिए अंजाम दे देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर, ये बस नाम याद रखना है, नंबरिंग कैसे की जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। बस बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा थोड़ा ध्यान दे देना, 2 और 9 के बीच में और 1 और 10 के बीच। तो जब आप इसको साइक्लाइज कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, 2+2 करने के बाद क्या करना होगा, रिवर्स 2+2 साइक्लोडिशन, आराम से आपके पास प्रोडक्ट बनके तैयार। तो बाकी आपको बस इसको प्रैक्टिस कर लेनी है, कैसे करना है पिछले लेक्चर पिछले पॉइंट से ही आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ये काम, डन कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। चलिए, यस, इस क्वेश्चन को भी कर डालिए जल्दी से, चलिए सॉल्व करते चलिए बच्चों। कर लेंगे, दिमाग चल जाएगा, दिमाग चलेगा एग्जाम में, क्या करना है? हाँ जी सर, ये हमारा ग्रफ्स कैटलिस्ट दिया हुआ है, क्या करना है? सर जी, मेरे पास यहाँ पे 4 एल्कीन है, 4, तो कम से कम 2 को एक साथ क्लब कर देते हैं। इसका मतलब 2-2 को क्लब कर देंगे। आप बोलोगे सर इनको दोनों को क्लब करने से फायदा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 3-membered रिंग बनेगी, क्या फायदा है? तो क्यों ना क्यों इसको क्लबिंग जो कराई जाए वो किसके साथ करानी पड़ेगी, आप ही बता दो। क्लब जो हमें कराना पड़ेगा वो किसके साथ कराना पड़ेगा? एक पार्ट इधर ले आते हैं सर और एक पार्ट इनको जोड़ देते हैं, ना भाई? बस इसी तरीके से दिमाग चलाना पड़ेगा। और जब इनको जोड़ोगे तो थोड़ा नंबरिंग कर लेना। नंबरिंग का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब सर यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग करके जाएं तो 3 से स्टार्ट करो, 3 से थोड़ा सा इसको देख लो, 3 के बाद क्या है सर, 4, 5, 6, 7, 8 है, और यहाँ क्या है, 3, 2, 1 है, बस कुछ नहीं करना है। ये आपका 3, ये आपका 2, ये आपका 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ पे 8 है। डबल बॉन्ड 7-8 पे लगा, डबल बॉन्ड 2-1 पे लगा, ठीक है। बाकी इधर की तरफ भी मोड़ लो थोड़ा सा, दिमाग थोड़ा सा इधर भी लगा लेंगे, क्या दिक्कत है? जी सर जी, यहाँ पर अगर दिमाग लगाएंगे तो हमने कहाँ तक यूज कर लिया, 8 तक यूज कर ही लिया है ना, तो 3 से स्टार्ट कर लो, यहाँ पे 9, 10, 11, 12 और 13, यहाँ पे 14 और 15 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस क्या काम करने का, देखो इधर 3 के साथ क्या जुड़ा हुआ है सर जी, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पे 3 के साथ 14 और 15, कुछ नहीं करना, समझ गए बात को? ऐसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड बना लो, यहाँ पे 14 और 15 हो जाएगा बच्चों। 3 के बगल में यहाँ क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा दो ना, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, COCF3 लगा, क्लियर है। 9 के बगल में क्या है, 10, 10 के बगल में 11, 11 के बगल में क्या 12, 12 के बगल में क्या 13, डबल बॉन्ड यहाँ बना दीजिए। बस अब आपको केवल क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने का काम करना है। करना क्या है, 2+5, 1, 1+8 जोड़ दो, इधर क्या होगा, 1+12, 5+13 जोड़ दें, ठीक है। तो चलो जोड़ देते हैं इसको, मैं क्या कर रहा हूँ यहीं पे, मैं अपने सेफ्टी के लिए मैं यहीं पे जोड़ दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अलग से जोड़ना पड़ेगा। राइट ना, मैंने इनको जोड़ दिया यहीं पे और यहाँ भी मैंने इनको जोड़ दिया, पाई बॉन्ड को बस मिटाना है, यही तो करना है, और तो कुछ करना नहीं है, बोलो? नहीं सर, कुछ नहीं करना, बस इनको जोड़ देने का। अब जब इनको जोड़ ही दिया तो फिर पुराने बॉन्ड जो आपने रखे उसको तोड़ दो, कौन से बॉन्ड टूटेंगे, कौन से बॉन्ड टूटेंगे बच्चों? हाँ जी सर, ये जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड इधर की तरफ लग गया, यहाँ भी बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है क्योंकि नए बॉन्ड आपने जो बनाया उसको रहने देंगे और बॉन्ड को तोड़ देंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 स्पाइरो रिंग बन जाएगी, स्पाइरो रिंग ही तो है, कनेक्शन बीच में है इसका, यस सर, कनेक्शन बीच में रहेगा, ये 2 स्पाइरो रिंग आपकी बनके तैयार हो जाएगी, क्लियर है।
जल्दी से बताओ सभी लोग, इज डन। आगे बढ़े, चलिए मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आपने अंजाम दे दिया होगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कैरुथर का सवाल है बच्चों, कर लेना है। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ कैरुथर, ठीक है भाई, कर लेंगे। आगे चले, बिल्कुल चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सर जी, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चले, अगर ये क्वेश्चन देख रहा हूं मैं दोस्तों तो दिमाग चलेगा, ये भी एक अच्छा सवाल है। अगर मैं इसको देखूं तो ग्रव्स कैटलिस्ट का सवाल आ चुका है, यस सर ये ग्रव्स कैटलिस्ट है। अब जरा ध्यान से, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड। तो आप अगर इस चीज को सोच रहे तो तीन चीजें हैं, तीन तो चार अगर होती तो दोनों को एक एक पेयर मिल जाता, लेकिन यहाँ पे तीन ही चीजें हैं। अगर तीन चीजें सर तो यहाँ मैं किसके साथ किसको इंटरेक्ट कराऊं, तो प्रोडक्ट जो ऑप्शन में दिए गए उनको थोड़ा देख करके भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो आप रेंडमली चलोगे ही, आपको पता नहीं है किसके साथ किसको जोड़ना है, पर आप जरा सोचिए जिनके साथ हमको जोड़ना है। मान के चलिए अगर आपने इनके साथ इसको जोड़ दिया, ये कार्बन जोड़ दिया, तो अगर आप इसका बॉन्ड बनाओगे तो एक दो तीन चार पांच मेंबर की रिंग पाओगे। पांच मेंबर की रिंग में क्या बना होगा, कीटोन बना होना चाहिए। आप खुद ही सोचोगे तो सर पांच मेंबर की रिंग में कीटोन नहीं, सिक्स मेंबर की रिंग में कीटोन है, इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़ने वाले नहीं है। फिर क्या चलेगा, इन दोनों में दिमाग चलेगा, क्या ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, एक बार देखते हैं। अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग चलेगा किसके किसके बीच बॉन्डिंग होगी, तो सर ये जो कार्बन है इसका अटैचमेंट इस कार्बन के साथ होगा क्योंकि 2+2 साइक्लोडेसन इस तरीके से होंगे, और ये जो कार्बन है सर इनका अटैचमेंट इसके साथ होगा, तो ये दोनों को सामने लाना पड़ेगा। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं कि सर इसको अप्रोच कैसे करना है। देखो जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप लगा है इसको, तो एज इट इज रहने दो, इसमें कोई दोराय नहीं है। तो एमी ग्रुप को भी यहाँ पे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमी को भी रहने दो। बट सवाल ये उठता है सर, हमें यहाँ पे जब अप्रोच करना है चीजों तो नंबरिंग से करते हैं ना, क्या दिक्कत है, यहाँ से स्टार्ट करो नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और है ना। तो सर अगर मैं इसको अगर अप्रोच कर रहा हूँ तो 7 और ये हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 के इसको 3 नाम दे देते हैं, 3 के साथ 4, 5, 6, 7, 3 के साथ 2 और यहाँ पे 1, इसी को इंडिकेट कर देंगे 1, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे M। हाँ, जितना ज्यादा हो सके इन दोनों को करीब रखेंगे तो उतना बेहतर रहेगा ना हम लोगों के लिए। तो बताओ ये तुम्हारा क्या था, 3, 4, 5, 6 और ये 7 है सर, ये कैसा है 2 और ये 1। तो जरा इसको अप्रोच करिए, ये 2 और 1 का 6 का बॉन्ड बनेगा, 1 और 7 का बॉन्ड बनेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो 2 और 6 में अगर 2 और 1 के बॉन्ड को मिटा दिया जाए और फिर बॉन्ड बनाया जाए तो सर 2 और 6 है 7 और यहाँ पे लगा हुआ है 1 के साथ, तो ये 1 है और ये 2 है कि नहीं है। तो अभी आपने नया बॉन्ड बनाया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पुराने बॉन्ड हैं तो तोड़ने पड़ेंगे। तो कौन सा बॉन्ड आप तोड़ने जा रहे हो, जरा गौर से आप कौन से बॉन्ड तोड़ोगे। तो सर यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 1, 6 और 7 का बॉन्ड है, ये टूटा और ये पाई बॉन्ड जो देख रहे हो 2 और 1 का, ये पाई बॉन्ड किसके बीच में आ जाएगा, 1 और 7 के बीच में आएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो आप यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बनाने वाले होंगे, यहाँ कितने मेंबर की रिंग बनी होगी, सर जी ये 3 नंबर, 3 के बगल में 4, 4 के बगल में 5, 5 के बगल में 6 है कि नहीं है, 3 के बगल में क्या है 2 है। अब जरा बताओ 2 और 6 का बॉन्ड तो बना ही हुआ था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं है ना। 7 और यहाँ पे आपका 1 का बॉन्ड था, 1 पे क्या लगा हुआ है, एम ई लगा हुआ है कि नहीं, और 1 और 7 के बीच में एक बॉन्ड थी, कौन थी कि नहीं, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया होगा, नया पाई बॉन्ड 2 और 6 के बीच बन गया होगा, ध्यान से देखते चलिएगा। और सी यानी यहाँ पे आपके पास एमी ग्रुप लगा हुआ है और इसके साथ क्या लगा है, ऑक्सीजन कार्बोनिल और यहाँ पे क्या बना हुआ है सर, एल्कीन बनी है ना भाई। तो गौर से देखिए ये हमारा 5 मेंबर की रिंग बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग ओलिफिन मेटाथिसिस करेंगे तो ये 5 मेंबर की रिंग हमें दिखेगी कि सर ये 5 मेंबर की रिंग हमारी बन के तैयार हो गई है, लेकिन अगली रिंग कौन सी होगी, तो जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इसको मैं अगर इधर लिख दूं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब जरा सब लोग देख लो, अगर मैं इस सवाल को देखूं अब दिमाग चलाऊं तो सर ये जो कार्बन है ये इनके साथ बॉन्डिंग,
इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं मैं, लीजिए। अब आपको करना क्या है, बॉन्ड बनाना इनके साथ और बॉन्ड इनके साथ बनेगा क्योंकि फर्दर हमारे पास 2+2 साइक्लोडेशन होंगे क्योंकि रिंग एक और बनी हुई है। तो सोचना होगा कैसे कि जी सर अगला मेरा रिंग कैसे बन रहा है, ये तो मेरा 5 मेंबर का रिंग एज इट इज रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा आपको प्रोसेस में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस बॉन्ड को मिटा रहा हूँ मैं, नया बॉन्ड कहाँ कहाँ बना उसको बना देते हैं। ये बॉन्ड नया बन गया और ये बॉन्ड नया बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। अब बॉन्ड अगर टूटेगा तो किसके किसके बीच बॉन्ड टूट रहा है, पुराना बॉन्ड यही बना, ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड। अब थोड़ा सा ध्यान अगर आप दे दें तो मसला सॉल्व हो चुका है। 2, 3, 4, 5, 6 है, मान के चलो ये 1 था तो 6 हो चुका है। इसको 7 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं, इसको 9 मान लेते हैं। तो रिंग कितने मेंबर की बन रही है, 5 मेंबर की रिंग आपके पास फॉर्म हो चुकी है। और एक रिंग और बनेगी, वो कितनी मेंबर की बनेगी दोस्तों, 6 मेंबर की। आप इसको अगर गौर से देखें तो यही वो रिंग बनी हुई है सर, 6 मेंबर की रिंग हमारे सामने फॉर्म हुआ है। ग्रुप जहां जो लगा उसको लगा लीजिएगा, अटैचमेंट पे ध्यान देंगे। क्या है ये, 3, 4, 5, 6 और 2, 6 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड। 9, 8, 7 और 1, 1 और 2 के बीच में 1 पे क्या लगा हुआ, ME लगा दीजिए, और 7 और 1 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड बना। ओहो, समझे कि नहीं समझे। तो ये आपका ओलेफिन मेटाथेसिस का बेहतरीन सवाल है, दिस इज अ सवाल ऑफ कैरुथर, और बेहतरीन सवाल है दोस्तों, अच्छे से इसको करके जाइएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ जाएगा, मैं आपको ये कहूंगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर रखोगे तो ओलेफिन मेटाथेसिस के टिपिकल क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम उसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। कैसा लगा सवाल, आनंद आया करके, थोड़ी सी भी आनंद आप लोगों को आई है बच्चों? ठीक लगा, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए जवाब देते चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इसका सवाल का जवाब दें, चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन। राजकुमार जी कह रहे हैं ओके सर, यस सर, समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। सोमालिया जी, पार्थ, कंटिन्यू लगे हुए हो। गौरव सिंह कह रहे वेरी हेल्पफुल है सर, होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए सवाल को जरा सॉल्व करिए तो कर सकते हैं ना, इजी क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा बस लगाना है और तो कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। बाकी जो लोग भी देख रहे हैं वो रिप्लाई करते चलो यार, ऐसे मत करो, कम से कम रिप्लाई तो करो यार। चलिए ग्रेट, तो सर आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। सर यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे क्वेश्चन में क्या है, विटिक रिएजेंट है, तो विटिक रिएजेंट और कार्बोनिल दोनों मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे सर। और अगर ये मिल गए तो फिर क्या होगा, आप ही बताओ, यहाँ क्या बन जाएगी, एक एल्कीन फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ मेरे पास जो भी लगे हुए हैं, ये ग्रुप जो लगे होंगे रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ यहाँ ग्रफ्स कैटलिस्ट भी दिया है, मतलब पहले ये विटिक का सवाल है, पहले ये विटिक का सवाल है, ठीक, विटिक से हमारी एल्कीन बन जाएगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर ग्रफ्स कैटलिस्ट को हम लोग यूज कर लेंगे। तो आप बताइए अगर ग्रफ्स कैटलिस्ट को हमने यूज कर लिया है तो यहाँ मेरे पास OH है और यहाँ मेरे पास एल्कीन। फिर अगला सवाल आप लोग समझ में आ ही गया होगा, ग्रफ्स कैटलिस्ट में क्या होना चाहिए बताइए सब लोग। जी सर कुछ नहीं करना है, बॉन्ड जो हमारे पास बने हुए हैं इनको क्या करना है, जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद यहाँ रिंग कितने मेंबर की बनेगी, वी हैव अ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हमारे पास 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाए। बस इसी का थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब रिंग बनेगी तो किसके किसके बीच बन रही है, 1 और 5, 1 एंड 5, उसके साथ क्या है, 2, 3 और 4 है, और ऊपर भी एक 4 मेंबर की रिंग बनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है ना। और 2 पे क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा दीजिए। 3 और 4 पे क्या बना हुआ है, दोनों तरफ O ग्रुप लगे हुए हैं, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। और बाद में क्या करने का, यहां से हमारे पास जो नए बॉन्ड बने होंगे उनको रखने का और पुराने बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देने का। जैसे ब्रेक डाउन करोगे, ये मेरे पास 5 मेंबर की जो रिंग रहेंगी, यहाँ अल्कोहलिक पार्ट रहेगा, यहाँ पे आपके पास प्रोटेक्ट मौजूद। मेरे हिसाब से इसको कंप्लीट कर लिया, यस, विटिक देन मेटाथेसिस, दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ते चले। चलिए सर कोई प्रॉब्लम नहीं, विटिक के बाद मेटाथीसिस कराने का सवाल भी अगर पूछ दे तो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलिए ये दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए रहने देता हूं, ये आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, है ना भाई, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। तो ओलेफिन मेटाथीसिस को पहचानना कैसे है और उसके प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, अगर अल्कीन आ जाए तब, ट्रिपल बॉन्डेड आ जाए तब, हम कैसे अप्रोच करेंगे, ये सारी बातें हमें अच्छे से क्लियर होनी, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आइए अगला सवाल करते हैं बच्चों। अब मैं आपको लेके चल गया हूं शैपिरो रिएक्शन के ऊपर में। चलिए अपना अगला टॉपिक है शैपिरो रिएक्शन। आइए दोस्तों, चलिए शैपिरो रिएक्शंस के बारे में डिटेल्ड बातें हम पहले कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, कर चुके, पहचान सकते हैं कि नहीं, इसको पहचान सकते हैं। ये कैसी रिएक्शन है, टोसिल हाइड्राजोन की रिएक्शन, किसके साथ, टू इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम या ऑर्गेनो लिथियम। तो क्या एग्जाम में इसको पहचान लोगे, बिल्कुल पहचान लें। चलिए सवाल को अगर अंजाम दिया जाए, प्रोडक्ट अभी मैंने आपके सामने बना दिया है, लेकिन अप्रोच कैसे करना है आपको, जल्दी से अप्रोच करिए, शुरू करिए इसको। हाँ जी सर, तो पहला दिमाग चलेगा जो कि सर यहाँ टोसिल हाइड्राजोन हाइड्राजीन है, अगर टोसिल हाइड्राजीन है तो दिमाग तो चलने वाला है, क्या करना है हम लोग, टोसिल हाइड्राजीन में सर यहाँ NH2 होगा, यहाँ NHTS होगा, तो पहले ये क्या बना देगा, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा और यहाँ पे हमारे पास जो बनेंगे इसको मैं ये प्रोडक्ट तो मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हाँ केवल सोचने के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ, ये सर ये NNHTS यहाँ पे बन के तैयार है, ये बिलो द प्लेन ज्योमेट्री बनी हुई, इसको बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाकी जो रिंग बना हुआ रहने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद सर यहाँ मिथाइल लिथियम दिया हुआ है, मिथाइल लिथियम दो इक्विवेलेंट, दिमाग चलेगा, तो मिथाइल लिथियम अगर दो इक्विवेलेंट दिया जाए तो हम क्या सोचेंगे सर, यहाँ पे और यहाँ पे दो तरीके से हाइड्रोजन मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था लेस सब्स्टिट्यूटेड, यानी ऐसे कार्बन पे अटैक करना जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन लगे हुए हो, और फिर यहाँ से क्या बना देना है, मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को सबको समझाई थी लास्ट लेक्चर में, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या बनाएंगे एल्कीन, और इसी जगह पे क्या लगाएंगे लिथियम लगा देंगे। ये एमए ग्रुप बिलो द प्लेन है, इसको रहने दीजिए, रिंग जैसी बनी हुई उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां जैसी ग्रुप लगी हुई इसको रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टीरियो जैसी लगी हुई है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन आफ्टर कुछ नहीं दिया हुआ है तो जहां आपके पास लिथियम है वहीं पे क्या करेंगे, वाटर को डाल देंगे, ये पानी एक्सेप्ट कर लेगा, वर्कअप करेंगे, इसका मतलब अल्कीन हमारी जो बनेगी वो मिथाइल से अवे बननी, सिंपल है। टोसिल हाइड्रोजन को पहचानना और उसके प्रोडक्ट को ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं, कर लोगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, मेरे हिसाब से सब लोगों ने कंप्लीट कर भी दिया। यस बिल्कुल बिल्कुल, टोसिल हाइड्राजोन पहले बनाएंगे, उसके बाद यहां से हम लोग क्या भगाते हैं, एन टू को बाहर आते हैं, टोसाइल ग्रुप को भगाते हैं, विनाइल लिथियम बनाते हैं, वर्कअप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ डबल बोन बनाइए, चलिए प्लीज कंप्लीट द क्वेश्चन, फटाफट कंप्लीट करते चलिए, एग्जाम में बैठे हुए हैं, दिमाग चलेगा। ओके सर, ये मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल है टोसिल हाइड्राजोन, आहा ये हमारे स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है सर, ऐसे कंडीशन में तुरंत दिमाग चलना होगा मेरे साथ, मेरे स्पीड के साथ मैचअप करिए। ओके सर, सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले होंगे, एग्जाम में शुरू कर रहे हैं, ये सर ये मेरे पास टोसिल हाइड्राजोन बन के तैयार हो गया है, आइए सर ये NH और ये TS, उसके बाद सर ब्यूटाइल लिथियम दो इक्विवेलेंट डाला गया है, दिमाग चलेगा, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसी के पास हाइड्रोजन है, तो यहीं से हम लोग क्या करने वाले होंगे, हाँ जी सर यहाँ पे हम लोग विनाइल लिथियम बना देंगे, जिस जगह से हमारा लिथियम N निकला होगा उसी जगह से लिथिएशन करते हैं हम लोग, हाँ भाई, और उसके बाद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है सर, अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग डाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अटैक कर जाएगा, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अटैचमेंट होगा ये हमारे सामने क्या बन गया होगा, कार्बोनिल O- बन गया होगा, और फिर इसके बाद HCl डालने का मतलब क्या हुआ, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर, समझे कि नहीं समझे, आई थिंक आप इसको आसानी से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे बच्चों, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़े चलिए, फटाफट नोट करते चलिएगा, फास्ट प्रैक्टिस करते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लीजिएगा, चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले दिमाग चल गया होगा सबसे पहले क्या करना है, जी सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, टोसिल हाइड्राजोन क्या है,
NH2 NH3S है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो सबसे पहले दिमाग चला होगा, लीजिए सर जी यहाँ हाइड्रोजन बना लेते हैं, नहीं दिया बना करके कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं सर, क्या दिक्कत है। उसके बाद यहाँ डाला गया है N ब्यूटाइल लिथियम 2 इक्विवेलेंट। सर H कहाँ से ले जाएं, इधर से लेके जाते हैं, जैसे H को इधर से लेकर के चले गए क्या बन गया मेरे पास, विनाइलिक लिथियम स्पेसिस सबसे पहले ये तैयार हो गया। तैयार हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। उसके बाद सर जी यहाँ पे मेरे पास डाला हुआ है क्या, दिस विल बी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो आप ही बता दो ये जो विनाइल लिथियम है भाई ये किस पे अटैक करेगा, ये तो इसी कार्बन पे अटैक करेगा ना, ये तो हार्ड सेंटर पे अटैक करता है। तो जब हार्ड सेंटर पे ये अटैक करेगा बच्चों, तो मेरा सवाल ये है कि सर यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो क्या बन गया, कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड बन गया और ये अल्कीन बन गई और यहाँ क्या लग गया ओपे माइनस, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं लास्ट में, इसको प्रोटोनेट करके OH बना सकते। इसका मतलब ये हमारे पास शैपिरो रिएक्शन से पहले विनाइल लिथियम आपने क्रिएट किया और इस विनाइल लिथियम को फिर हमने एल्डिहाइड पे अटैक करा के प्रोडक्ट बना। कोई दिक्कत डील कर सकते हैं भाई, 1-2 अटैक होगा, बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग जल्दी से बताते चलो, क्लियर हुआ बच्चों ये सवाल, आराम से डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन सुनो, जब भी शैपिरो रिएक्शन का सवाल हमें मिलता है ना पार्ट सी में जब मिलेगा, तो अक्सर ये पेरीसाइक्लिक के साथ जुड़ा होता है, के साथ जुड़ा होता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के, ये जुड़ा हुआ मिलेगा, तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन से जुड़ा हुआ मिलेगा तो हम उसको डील कर। क्या होगा सबसे पहले बताओ, पेरीसाइक्लिक जब मिलेगा तो हो सकता है यहाँ MnO2 डाल दें, मैंगनीज ऑक्साइड डाल दें, तो मैंगनीज ऑक्साइड अगर डाल दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, आप ही बता दो, मैंगनीज ऑक्साइड डालते ही ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी अ कार्बोनिल ग्रुप, और उसके बाद डाल देगा H3PO4 हीट के साथ। अब ये सवाल हो जाएगा नेजारोव साइक्लाइजेशन का, समझ गए, आपके सामने इस तरीके से प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, दो प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए कह दिए जाएंगे। नेजारोव साइक्लाइजेशन बच्चों जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते होंगे मेरे हिसाब से, दोनों अल्कीन बनेगी पर जो मेजर बनेगी वो कौन सी बनेगी, ये वाली, क्लियर है बच्चों, ठीक है। नमस्कार भारत सर जी, यस यस, तो बिल्कुल करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा शैपिरो रिएक्शन है और शैपिरो रिएक्शन के साथ हम डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी, चलिए। हाँ भाई इस क्वेश्चन को भी हम लोग डील आराम से कर सकते हैं, क्यों भाई, सबसे पहले ट्रिस्ट जो दिया हुआ है NH2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक तरीके का एरोमेटिक रिंग वाला पार पोर्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ भी हम लोग दिमाग चला चुके होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ मेरे पास सबसे पहले बन गया होगा N और यहाँ पे NH ट्राइस ग्रुप लगा हुआ मिलेगा, जैसे टोसाइल ग्रुप होता है वैसे एक ग्रुप हमारे पास मौजूद होता है। फिर यहाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो इक्विवेलेंट डाला गया ना, यही पहचान किसकी होती है, शैपिरो रिएक्शन की पहचान होती है। तो जैसे शैपिरो रिएक्शन हमारे सामने आएंगे, वी हैव अ CH3 ग्रुप और यहाँ पे क्या लग जाएगा, लिथियम लग चुका, और अगर लिथियम लग चुका होगा तो यहाँ DMF डाला गया है भाई, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था DMF का काम क्या होता है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का काम क्या होता है, फॉर्माइलेशन करने का, यानी ये जो लिथियम है ये लिथियम इस CHO ग्रुप को अटैच कर लेगा, बोलो, और सामने क्या बना देगा, CHO ग्रुप का अटैचमेंट पे हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझे बच्चों। मेरे हिसाब से शैपिरो रिएक्शंस की जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं वो सबको क्लियर हो गई होंगी, कैसे प्रोडक्ट हमें बनाना है ये समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए कांशा जी धन्यवाद, चलिए तो इसका मतलब सर जी, इसका मतलब नेजारो साइक्लाइजेशन हो, पेरिसाइक्लिक की रिएक्शंस हो, मतलब कि आपके सामने जब शैपिरो का सवाल हो तो उनके साथ हमको जोड़ के चीजें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये प्रोडक्ट मैंने बना करके भी आपको दे दिया, आपको सोचना है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया गया होता तो आप इस प्रोडक्ट को कैसे, फिलहाल LDA डाल करके केवल दिया, क्या सोचेंगे आप, एग्जाम में ऑप्शन होंगे 4 पर अभी मैंने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, सर यहाँ LDA दिया है तो बताइए कैसा सवाल है, ये डायरेक्टली शैपिरो का सवाल तो आपको नहीं लगेगा में, क्योंकि शैपिरो के लिए हमें हाइड्रोजन की आदत हो चुकी है ना भाई, ब्यूटाइल लिथियम 2 इक्विवेलेंट की आदत हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो दिमाग तो चलेगा थोड़ा बहुत कि सर LDA दिया हुआ है, अगर LDA दिया हुआ है तो क्या करें,
तो सर एलडीए दिया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा यहाँ या यहाँ, तो एलडीए तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से ही जाएगा, क्या बनाएगा यहाँ पे? सबसे पहले मुझे बताइए, पहले ये क्या करेगा, एलडीए अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन, और ये मेरे साथ सभी लोग सॉल्व करते चलिए। आइए सर, यहाँ मेरे पास साइक्लोहेक्सेन ग्रुप जो दिया हुआ है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है सर, प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। यहाँ मेरे पास ये नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, अब बताइए मुझे यहाँ थ्री मेंबर की रिंग बनी हुई है, यहाँ पीएच कैसे रेजोनेंस कराया आप, डबल बॉन्ड यहाँ बना, माइनस चार्ज किसके बीच में आएगा, इस कार्बन नाइट्रोजन पे आ चुका होगा। अब ये जो माइनस है, अब ये थ्री मेंबर की अजुरिडिन रिंग है ना भाई, तो ये रिंग ओपन करने का सवाल आपको मिल जाएगा, रिंग ओपनिंग, थ्री मेंबर की रिंग क्या होगी, रिंग ओपन हो जाएगी। तो सब लोग अच्छे से देखते चलिए बोर्ड पे, लीजिए सर यहाँ मेरे पास अल्किन बन चुका है और यहाँ मेरे पास क्या बना हुआ N, यहाँ N है और यहाँ पे बॉन्ड ओपन हो रहा है, ये माइनस चार्ज जब रेजोनेंस करेगा सर, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और माइनस चार्ज कहाँ क्रिएट हो जाएगा, इस कार्बन के, होगा कि नहीं होगा? यस सर, ये माइनस चार्ज अगर क्रिएट हो गया, फर्दर अगला सवाल, N2 को कहीं ना कहीं से लेफ्ट करने का मन दिल करेगा आप, तो यहाँ पे माइनस चार्ज जो है ये वापस आया और N2 को लेफ्ट किया और फिर नाइट्रोजन ने कार्बन को वापस कर दिया इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग किसमें किया करते थे, सैपेरो रिएक्शन में जब किया करते थे तो ध्यान रखते थे ना। तो सर यहाँ पे जब इसको अटैक कराया जाए तो ये लिथियम यहाँ बना चला जाएगा और बाकी क्या लग जाएगा, N डबल ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ क्या लग जाएगी, अल्कीन, और ये तुम्हारा फिनाइल ग्रुप लगेगा, क्लियर है? बाकी यहाँ लिथियम के बाद कुछ नहीं दिया है तो वर्कअप कर देंगे, वर्कअप का मतलब अमोनियम क्लोराइड डाल दीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस का सोर्स होता है ये, और ये जहाँ से लिथियम अटैच हुआ है वहीं पे H को लगा दे, क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जी, चलिए ग्रेट, वो दिक्कत नहीं होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में हमें मिले तो हम आराम से डील कर सकते हैं, ठीक है? तो कैसा लग रहा है सवाल, आपको समझ में आ रहा है, इज दैट बेनिफिशियल फॉर यू? क्या ये जो क्वेश्चंस मैं आपको पीटरसन के, ऑलिफिन मेटाथिसिस के, शैपिरो रिएक्शंस के, जूलिया रिएक्शंस के, जो मैं अभी तक आपको मैंने सामने आपके लाए हैं, क्या इस क्वेश्चन से आप लोगों को हेल्प मिल रही है, आप कुछ समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं बच्चों, जल्दी से मुझे बता दीजिए एवरीबॉडी, या आप इन सवालों से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, जल्दी बता दो, नजरीन बानो जी कह रहे हैं सर मेजर कैसे पता चलेगा, मेजर तो क्या ही बन रहा है, एक ही तो बन ही रहा है, मेजर तो क्या ही है, ये फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन की तरह हो गई अभी, तो मेजर मतलब जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमें इसको डील करना है, ये वाला जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, N2 को तो हम लोग गैस के फॉर्म में निकाल देंगे, हाँ स्टायरीन हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में काउंट किया जाएगा, चलिए। हाँ नेजारन जी कह रहे हैं नेजारो साइक्लाइजेशन का जो हमारा है उसके लिए तुम्हें थोड़ा अल्कीन की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा ना, अल्कीन जिधर ज़्यादा स्टेबल बनेगी, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होंगे वो हमारी अल्कीन बन जाएगी। हाँ भाई सवाल किसी ने पूछा था ना सर, नेजारो साइक्लाइजेशन का एक सवाल आपको दे दिया गया था, थोड़ा सा उसमें परेशान हो गए थे क्या? हाँ भाई ये वाला देख लो, ये मेजर पता कैसे चलेगा, देख लो अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेना, जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर वन, है ना भाई, तो इसको मेजर आपने बना दिया क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। चलिए बाकी क्वेश्चंस मैंने इसमें रख दिए हैं, आप इसको ऐप में जा करके देख लीजिए, टाइप के क्वेश्चंस मैंने कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन ये ट्राई कर लीजिए, ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए कैरोथर का, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर सेक्शन पे चले जाते हैं, उसमें डील कर लेंगे हम, ठीक है भाई? चलो फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को छोड़ दिए हैं वो आपको कर लेना है उसको, है ना, बाद में आप कर लीजिएगा उसको, ठीक है? वो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के, तो आप उसको कंप्लीट कर दोगे, तो दिक्कत नहीं। आइए देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन देखूं तो यहाँ भी मेरे पास टोसिल हाइड्रोजन पोर्शन है, दो इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम यहाँ भी गिवन है, तो दिमाग क्या चलेगा, दिमाग कैसे चलाना है, अप्रोच कैसे करना है, सब लोग बताइए। सर पहले मुझे ब्यूटाइल लिथियम अगर दिया हुआ है तो हाइड्रोजन किधर से निकलेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा, मुझे पता है जिधर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उधर से एच को बाहर निकालते हैं ताकि लेस सब्स्टिट्यूटेड हमें क्या मिले, इनामीन फॉर्म हो, ये सैपिरो की पहचान है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से हमारी एल्कीन फॉर्म होती है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है इस रिएक्शन में, सब लोग अच्छे से अगर देखेंगे इस रिएक्शन को,
तो अल्किन सर इधर की तरफ फॉर्म हो गई है और लिथियम भी यहाँ पे लग चुका होगा। ठीक है, अब एक बात को थोड़ा सा समझ, जब हमारे पास कोई रेडिकल हो या कोई लिथियम डेरिवेटिव हो या कोई रेडिकल जैसे सिस्टम होते हैं और वो अगर अपने पड़ोसी पाई बॉन्ड को देखते हैं तो ये एक साइक्लाइजेशन की तरह ट्रीट की जाती है। जैसे ये जो रेडिकल थे ये स्पेटेक मार के रेडिकल को बाहर की तरफ बना देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात को समझना पड़ेगा, वो बात क्या है कि जब हमारे पास ये एक तरीके का साइक्लाइजेशन प्रोसेस होता है, तो अगर मेरे पास ऑर्गेनोलिथियम यहाँ बनी हुई है तो ये साइक्लाइज हो करके टर्मिनल कार्बन पे लिथिएशन को अंजाम दे देती है। ये साइक्लाइजेशन, ऑर्गेनोलिथियम साइक्लाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो आपको यहाँ वही प्रोसेस को अंजाम देना है कि अगर मेरे पास विनाइल लिथियम, ऑर्गेनोलिथियम जैसे स्पेसिस बनते हैं और बगल में उनके डबल बॉन्डेड सिस्टम है तो दोस्तों इसे साइक्लाइज कर डालिएगा। क्या करिएगा, इसको साइक्लाइज कर डालिएगा। जब साइक्लाइज आप करोगे तो ये जो कार्बन है इनके जो नियरेस्ट कार्बन होंगी, चाहे रिंग मैटर नहीं करता, रिंग जनरली इनके केसेस में 5 मेंबर की पॉसिबल हम लोग ज्यादा बनाते हैं, तो जब ये रिंग साइक्लाइज होगी तो टर्मिनल कार्बन पे क्या लग जाएगा, लिथियम लग जाएगा। और टर्मिनल कार्बन पे लिथियम अगर लगा है उसमें डीएमएफ डाला गया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पे अगर डीएमएफ डाला जाए ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, लिथिएशन इस कार्बन पे आपकी फॉर्म होगी। ठीक है जी, और डीएमएफ डाल दिया तो डीएमएफ का मतलब ही तो क्या होगा, सबको पता होगा डीएमएफ का मतलब क्या होगा। जी सर, यहाँ पे मुझे फॉर्माइलेशन कर डालना है। इस क्वेश्चन को लिख लो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्जाम में पूछा जाए थोड़ा टिपिकल सवाल शैपिरो रिएक्शन का तो शायद वो आपको ये सवाल दे सकता है। ठीक है भाई, यस बिल्कुल करेक्ट है रोहित जी, एनायन एल्किन में अटैक फिर फॉर्माइड में अटैक, बिल्कुल बिल्कुल करिए, ग्रेट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम डील करेंगे तो कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, मैं ये कहूंगा हाँ अगर ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आप करके तो एग्जाम में जब अननोन क्वेश्चंस हमारे सामने हिट करेंगे तो मैं उनको आसानी से पहचान सकता हूं और प्रोडक्ट बना सकता हूं। आई होप इसको आप समझ। तो ठीक है, दिस इज द ऑल अबाउट द रेफरेंस बुक क्वेश्चंस ऑफ शैपिरो, पीटरसन, जूलिया एंड ऑलिफिन मेटाथेसिस रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके आ रहा हूं दैट इज द प्रीवियस ईयर सेक्शन पे, और प्रीवियस ईयर सेक्शंस पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, जो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, उन टॉपिकों से रिलेटेड जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं हम उनको अच्छे से देख ले। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सवाल शुरुआत करिए। दिसंबर 2019 का सवाल है और जरा इस सवाल को सब देखेंगे और बताएंगे। पूछा गया है द रिएक्शन दैट गिव्स E to methyl hexene। चलिए शुरू हो जाइए और मुझे बताइए A, B, C और D में कौन सा प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को, E कहाँ पे फॉर्म होगी जरा हमें। चलिए भाई शुरू हो जाइए, चलिए बताइए सभी लोग। चलिए तो जरा सोचिए ना यार, आप ए बी सी डी चारों ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं, अचानक से आपको दिख जाएगा अरे सर जी ये तो हमारा जूलिया रिएक्शन का सवाल आ गया है, जरा गौर फरमाएं। तो अगर आप एक बार जूलिया पे फोकस कर ले तो आपका दिमाग तुरंत चल जाएगा, जी सर ये जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है टोटल अल्किन क्या पूछी गई है, हेक्स 3। तो एक बार इसको जरा बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, जिस कार्बन पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और इस कार्बन पे जो सल्फोनाइल ग्रुप है, इन दोनों को मिला देते हैं। अगर मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी अल्कीन, और इस अल्कीन का अगर आईपीसी नेम कोई हमसे पूछता है तो हम क्या बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 का मतलब क्या होगा, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, हाँ जी सर 2 मिथाइल है, और बिल्कुल सर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हेक्स भी है और 2 भी है, और
थ्री पे लगा हुआ है ना अल्कीन, जी सर थ्री पे अल्कीन है, लीजिए सर। पर ये अल्कीन क्या बनी होगी, हमेशा ई अल्कीन बनती है जूलिया रिएक्शन में, हमेशा क्या बनती है, ई अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। यस, तो डी अल्कीन हमारा मेजर बनेगा। राजकुमार कह रहे डाटा हैज बीन फिनिश्ड, कोई बात नहीं, रिचार्ज कर 60 रुपए का, फिर से डाटा मिल जाएगा 6 GB। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बच्चों। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस विल बी द क्वेश्चन। चलिए पहले मुझे बताइएगा ये सवाल किसका है, ये सवाल कौन सी, पहला जो ए टॉपिक है ए वाला, ये किसका सवाल है, या ब्यूटाइल लिथियम। अब बताइए ए क्वेश्चन जो हमारा बनेगा, पहले ए पे फोकस करिए, ए प्रोडक्ट जरा बनाइए सब लोग, ए प्रोडक्ट जरा सॉल्व करिए। कंप्लीटेड। अच्छा 2 रुपये GST भी लगता है क्या। चले भाई साहब, अब दिमाग चल गया होगा ना यार, अब दिमाग तो चल गया होगा, जी सर ये दो इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम है, कौन सी रिएक्शन हो गई, शैपिरो रिएक्शन, दिमाग चल रहा होगा। हाँ सर, इसमें क्या हमें ध्यान रखना होता है, अगर दोनों तरफ कार्बन है तो किस तरफ से हमें हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालना है इधर की ओर, तो हमें उधर अल्कीन बनानी है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। बिल्कुल सर जी, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारे बनाने को तैयार है, हाँ जी सर बना चुके हैं, और यहाँ मेरे पास लिथिएशन लग चुका है, लिथियम लग चुका है कि नहीं लग चुका, बिल्कुल लग चुका है सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा अगला जो है वो क्या होगा, अभी बता दो। यस सेपिरो सबने बता दिया, बहुत बढ़िया। अब अगला इसमें क्या दिया हुआ है, अगला रिएक्शन इसमें दिया हुआ है सर फॉर्मल्डिहाइड है, HCOH। तो अभी बताओ ये फॉर्मल्डिहाइड अगर दिया हुआ है तो ये रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी दोस्तों तो क्या होगा यहाँ पे, ये तो अल्कीन मेरे पास है ही, और जब ये अटैक होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH का फॉर्मेशन आ जाएगा, तो मतलब अल्कोहल तो बनेंगे, तो इनमें से कौन अल्कोहल सा बनेगा बताओ, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला या मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे, बी और सी तो हमने इनसे सॉल्व कर लिया, लेकिन अगला जो रिएक्शन है, अगली रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है, ऑस्ट्रो ऑर्थो एस्टर क्लेजन रीअरेंजमेंट, ये अगला रिएक्शन कौन सा है बच्चों, ऑर्थो एस्टर क्लेजन रीअरेंजमेंट, दिस इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो चलिए पेरिसाइक्लिक को जब हम लोग पढ़ेंगे तो डील करेंगे ना, क्या दिक्कत है, अभी हमने क्या देखा भैया, शैपिरो ने हमारी मदद किसमें कर दी, शैपिरो ने मदद कर दी, इतना तक तो हम पहुंच गए, लेकिन आगे पेरिसाइक्लिक की कहानी है, उसको हम लोग पेरिसाइक्लिक में देखें, ठीक है, ऐसे तो अभी भी बना सकते हैं बट कोई नहीं, हमें अभी शैपिरो तक पहुंचना था, हमने देख लिया, अब ऑर्थो एस्टर क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं वो सब हम लोगों को पता है, ऐसे हमें पता ही है कि सर ये जो हमारे पास COET ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ ME ग्रुप होगा, 3 OET ग्रुप लगे होते हैं कि नहीं होते बताओ, बिल्कुल होते, और हमें शॉर्टकट भी पता है, क्या पता है कि अगर मैं इस रिएक्शन को अंजाम दूं तो शॉर्टकट हमने क्या देखा है कि सर ये जो मेरे पास एलाइलिक अल्कोहल होते हैं और ये जो मेरे पास कार्बन जो बने हुए हैं, है ना भाई, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ, ME लगा हुआ है और 3 OR ग्रुप लगे हुए, हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं कि नहीं जानते, अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा भी आइडिया होगा वो तुरंत बना लेंगे, क्या होगा इसमें, तो सर यहाँ मेरे पास जो अल्कोहल है और ये जो कार्बन है इनके साथ बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड आएंगे और यहाँ क्या लग जाएगा, OR ग्रुप, है ना, और उसके बाद हम लोग इसको 3-3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करा देते, इस कार्बन से हमारा ये कार्बन लगा हुआ है, इस पे 3 OR ग्रुप लगे हैं, 2 हट जाते हैं, 1 रह जाता है, और जो ME ग्रुप है वो डबल बॉन्ड बनाने का काम कर जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा एक कार्बन मैंने छोड़ दिया होगा, ध्यान से इसको बना लीजिए, ठीक है, चलिए भैया यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हुआ, अब अगला हमारे पास क्या होगा, 3-3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 1-2-3, 1-2-3, और आप इसको जब सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कराएंगे, बस ध्यान आपको दे देना है सर जी, जब सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो बॉन्ड है 1-2 का बॉन्ड यहाँ बन चुका होगा और यहाँ पे क्या लग चुका होगा, 3-3 बॉन्ड, डबल बॉन्ड OR आके लग गया, ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे, इसका मतलब हमारे पास बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी, कर लेंगे, चलिए, तो इसका मतलब सर ये तो कहानी बिल्कुल आसान थी, कोई दिक्कत नहीं था, बस हाँ थोड़ा सा निजारो साइक्लाइजेशन का हमको सवाल पूछा, हाँ ये तो
बना दिया। चलिए प्लीज अब मुझे बताइए ये पहली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, आप जरा मुझे बताइए फर्स्ट रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से बताओ सभी लोग। हाँ भाई चलिए, तो पहला रिएक्शन अगर आप देखें तो कौन सी रिएक्शन है, H2SO4 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस इज योर H2SO4 भैया, यहाँ सिलिकॉन है और यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, पीटरसन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, पीटरसन रिएक्शन। तो बताइए एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन कैसे होती है, एंटी एलिमिनेशन। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, मैकेनिज्म सॉल्व कर सकते हैं, है ना भाई, एंटी एलिमिनेशन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं। तो एग्जाम में पहचानना पड़ेगा पैटरसन पीटरसन रिएक्शन है सर एसिडिक मीडियम में, और इस तरीके के मैकेनिज्म हम लोग कर चुके हैं कैसे कि सर यहाँ मान के चलिए R1 है, ये मान के चलिए R2 है, यहाँ बॉन्ड SiMe3 बना हुआ है, यहाँ अबव द प्लेन OH बना हुआ। अब थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना यार SiMe3, तो जब इसको हम लोग दिमाग लगा रहे होंगे तो दिमाग क्या चलेगा, जीजिए सर जी ये हमारे पास एंटी एलिमिनेशन होते हैं तो एच हमारा बिलो सिलिकॉन बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन बनाइए, और यहाँ क्या लगा हुआ होगा एच, यहाँ भी क्या लगा होगा OH, और इसके साथ क्या बना होगा एच बना होगा। क्या सर ने इसको अलग से बनाने के लिए दिया है, हाँ हाँ भाई यहाँ बना लेते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना भाई। आर वन आर टू बना दिया हमने, सिलिकॉन बिलो द प्लेन बना दिया, एग्जाम में कैसे सोचेंगे, एच हमारे पास अबव द प्लेन है सर, यहाँ OH अबव द प्लेन है, यहाँ एच हमारा बिलो द प्लेन है सर, है ना भाई। अब अगर जरा गौर से देखिए तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कंप्लीट कराएं तो ये एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए, तो एंटी एलिमिनेशन के लिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ऐसे दिख तो रहा होगा सर एंटी एलिमिनेशन हो रहा है क्योंकि दोनों एंटी पोजिशन पे हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको बोला है क्या करना है, रोटेट करिए इसको, सिलिकॉन को इस जगह पे लेके आइए, जब सिलिकॉन को इस जगह पे लेकर के आओगे आप तो बॉन्ड को रोटेट करते ही आर कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन, और एच कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन, ठीक है जी। OH को रोटेट करके इस जगह पे लेके आइए एंटी क्लॉकवाइज, OH को लेकर के आइए, जब OH को लाओगे तो R कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन, और H कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। उसके बाद एसिडिक कंडीशन जो हम लोग डाल रहे हैं H2SO4 जो हम लोग डाल रहे हैं, इससे क्या होगा, ये सिलिकॉन और OH यहां से बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलते क्या बन जाएगा, अल्कीन फॉर्म हो जाएगा, दोनों तरफ R ग्रुप लगा हुआ मिलेगा। इसका मतलब पहला जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसमें R ग्रुप क्या हो जाएगा, एक तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, और एक तरफ क्या लगा दो, ओ टी बी डी एम एस ग्रुप को लगा दे, हमारा जो पहला बनेगा ए वो कैसा बनेगा, ई एल्किन बनेगा या जेड बनेगा, तो डिसाइड कर चुके हैं सर ये ई बना हुआ है, ये ई बना हुआ है, ये जेड है और ये जेड है, जेड वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ टी बी एफ डाला गया है, टी बी एफ का मतलब क्या होता है, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, तो टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड क्या करेंगे बच्चों, ये जो ओटीबी डीएमएस आप देख रहे थे इसको हटाएंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, ओएच लगा देंगे, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए सर। और अगला जो हमारा है वो क्या है, इसको क्या रिएक्शन कहा जाता है, दिस इज योर शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन है ना, और अगर ये शार्पलेस इपॉक्सीडेशन है तो बताओ मुझे प्लस डीईटी है, डाइथाइल टाइट्रेट अगर पॉजिटिव वाला लेते हैं तो बिलो द प्लेन ज्योमेट्री हमारी मेजर बनती है, ये असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन का सवाल हो गया, इस वजह से जो हमारा ए ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों। अभी सूरज जी कह रहे हैं कि सर मजा आ रहा है, मजा तो आएगा भाई साहब, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आई होप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट जितने भी हैं, आइए दिसंबर 2016 में ये सवाल पूछा गया था 2016, विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, एवरीबडी जस्ट सॉल्व इट एंड लेट मी नो कौन सा बनना चाहिए मेजर। कौन सा रिएक्शन है पहले बताओ मुझे, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, ये कौन सी रिएक्शन है एक बार जल्दी से मुझे बताइए, कौन सी रिएक्शन होगी ये, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, कौन सी रिएक्शन है, है ना भाई।
यस सर, मॉडिफाइड जूलिया ओलेफिनेशन रिएक्शन है। तो एक बात बताइए, यहाँ जो हमारे पास कार्बन है और यहाँ जो कार्बन हमारे पास बना, तो गौर फरमाएंगे, इसका मतलब सर यहाँ जो अल्कीन बनेगी, ये दोनों की अल्कीन तो ई बनने वाली है, ये ई और ये ई बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहाँ पे तो ये जेड अल्कीन बना के दिया हुआ है, यहाँ जेड अल्कीन बना के दिया है, तो डी और सी तो खत्म हो गए। पर हाँ, यहाँ जो अल्कीन बनी होगी इस पर थोड़ा फोकस करो गौर से। मेरा कहना यह है कि जो सी एच ओ ग्रुप है और ये जो हमारा ये बॉन्ड है, ये दोनों क्या बने हुए हैं, जेड बने हुए हैं। इसका मतलब जो बॉन्ड इसकी तरफ बना हुआ था वो बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है उसी तरफ बना होना चाहिए था, ये जो अल्कीन बनी होनी चाहिए थी, इसका जो बॉन्ड जिधर की तरफ था कार्बन का, वही बॉन्ड इधर भी होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों क्या है, सिस बने हुए हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन भी खत्म हो गया, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों भाई, समझे कि नहीं समझे, कर लोगे बताओ, ये क्वेश्चन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थके तो नहीं है बच्चों, क्या आप थकान महसूस कर रहे हैं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई साहब, कौन सी रिएक्शन है जरा इसके बारे में मुझे बताइएगा। आकाश सैनी जी कह रहे हैं बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो रहे हैं सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए ना, अगर क्वेश्चंस, यही तो तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरे दोस्तों। जूलिया ओलेफिनेशन था ये। अब अगला सवाल आप लोग बताइएगा सब लोग कि भाई अगला रिएक्शन कौन सी रिएक्शन आप देख पा रहे हैं सब लोग। हाँ जी सर, ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, अगर मैं इसको देखूं तो सैपिरो रिएक्शन समझ में आ चुका होगा। एन ब्यूटाइल लिथियम सर, दो इक्विवेलेंट डाला गया है, कोई टेंशन ही नहीं है, बताओ। हाँ जी सर, तो क्या होगा बताओ सभी लोग, ये जो कार्बन है यहीं से हाइड्रोजन निकलने वाला होगा, और अगर ये हाइड्रोजन निकलने वाला है तो हमारे पास सबसे पहला मॉलिक्यूल जो बनेगा क्या बनेगा, दिस विल बी योर स्ट्रक्चर, बॉन्ड यहाँ बना के दिया हुआ है, यहाँ मेरे पास क्या लग गया होगा, लिथियम लग के तैयार हो गए। और एक बार लिथियम लग गया तो डीएमएफ डालने का, डीएमएफ डालोगे तो फॉर्माइडेशन यहीं पे होगा, तो सर यहीं पे हमारा क्या बनेगा, सी एच ओ बनना। तो इसका मतलब ये जो सी एच थ्री जिधर लगा हुआ है उधर ही सी एच ओ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताओ। तो सर यहाँ मेरे पास ऑप्शन ए तो खत्म ही हो गया। अब बताइए यहाँ पे सी एच ओ जो बना हुआ है ये यहाँ बना हुआ है, इस कार्बन पे पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ भी नहीं बनेगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ भाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, सबने बता दिया है, यस सर डी विल बी द राइट आंसर, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो, बहुत सुंदर, अति उत्तम है, कोनो दिक्कत नहीं, आगे धीरे धीरे बढ़ते चल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो पहला सवाल क्या बनेगा आप मुझे बताइए। मेरे हिसाब से ये हम लोग कर चुके हैं ना भाई, यहाँ पे हमारा था एच टू पैलेडियम और दूसरा था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, शायद ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये डायरेक्टली कैरोथर का गिवन क्वेश्चन था जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं, हम लोग इसमें टाइम पास नहीं करेंगे, कर लेंगे ना भाई। ग्रब्स कैटलिस्टिस है, ग्रब्स कैटलिस्ट है जो कि इन दोनों को साइक्लाइज कर देगा, साइक्लाइज करने के बाद अल्कीन कहाँ बनेगी वो आपको डिसाइड करना है पहले, समझे। यहाँ सिक्स मेंबर सेवन मेंबर यहाँ पे अल्कीन बनी हुई है, तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया है बच्चों, करने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखते ही सवाल बन जाएगा, है ना भाई। चलिए सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे आराम से बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट करें। हाँ भाई अब मैं इसमें टेंशन नहीं लूंगा, ये देखते के साथ आप लोग बता दीजिए, 2013 का क्वेश्चन है, दिस इज द सैपिरो रिएक्शंस और आराम से हम डील कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। ए बी सी डी जल्दी से ऑप्शन बता दो सब लोग, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें बता दो।
कर लिया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन डील विद दैट, है ना भाई। बस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, टोसिल हाइड्राजोन था, हमने सर बना दिया टोसिल हाइड्राजोन। लीजिए सर, टोसिल हाइड्राजोन कहां बन गया, यहां बन गया। और जब टोसिल हाइड्राजोन बन के तैयार है फिर क्या टेंशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, दो इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम डाला गया है। तो क्या करेंगे, दो इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम के लिए ये जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो टेंशन है ही नहीं कुछ, बोलो, बिल्कुल नहीं है सर टेंशन। अगर टेंशन ही नहीं है तो हम यहाँ अल्किन को क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। और जहां से हमारा एन ग्रुप निकला है वहीं पे लिथियम अटैच होगा, इसका मतलब सर जब डीएमएफ हम लोग डालेंगे तो ये क्या करेगा, फॉर्माइलेशन कर देगा। और अगर फॉर्माइलेशन करेगा बच्चों तो जिस कार्बन पे लिथियम लगा हुआ है इसी कार्बन पे क्या लगेगा, सीएचओ लग के तैयार होगा। तो मतलब ये रहा कि सर सीएचओ तो बन रहा है, बी तो बनेगा नहीं, पर सीएचओ इस कार्बन पे भी लगा हुआ है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यस ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बना लिया होगा बच्चों आप लोगों ने, यस सर, ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डील कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है सर जी, कोनो दिक्कत नहीं है, आराम से डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए भाई साहब, अगर हम इस बात को समझ गए हैं, समझ गए हैं, एक दो सवाल कम रह गए, बात नहीं, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कर लेते हैं। चलिए जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, सब लोग इसको सॉल्व कर डालिए, सबका जवाब आ जाना चाहिए, और प्लीज मुझे बता दीजिए सेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ाएं आप लोगों को, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शंस थी, कपलिंग रिएक्शंस जितनी भी थी, हैक कपलिंग, सुजुकी, नगीशी, शीरा कपलिंग, वो सब हम लोगों ने कंप्लीट करी। फिर जितने भी हमारे एलिमिनेशन बेस्ड नेम रिएक्शंस थे उनको हमने कवर कर लिया, है ना भाई, पीटरसन रिएक्शन, जूलिया रिएक्शन, शैपिरो रिएक्शन, सोलिफिन मेटाथेसिस, पिटिक रिएक्शन, ऑर्थोथिमन्स रिएक्शंस, बच्चों ये सब चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो आप मुझे बताइए कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, सब लोग मुझे बताइए चैट बॉक्स में, जितने लोग देखेंगे कमेंट करके जरूर बताना कौन सा टॉपिक अब आप लोगों को इस टाइम स्टार्ट करने का मन कर रहा है, ठीक है। तो जिसमें मैक्सिमम लोगों का, जब मैक्सिमम लोग जिस पे बोलेंगे, रिएजेंट, स्पेक्ट्रो, स्टीरियो, पेरिसाइक्लिक, नेम रिएक्शन, रिएजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, बहुत सारे टॉपिक्स है, आप किसको पसंद करना चाहेंगे, किसमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, हम उसी चीज को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगर बच्चों हम लोग देख रहे हैं, हाँ, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा एक सवाल थोड़ा सा दिख, हाँ भाई ओके, ये थोड़ा सा एरर के साथ हम लोग, एक सेकंड रुकिए, बिल्कुल बिल्कुल ये अलग कॉपी पेस्ट हो गया, आई एम सॉरी बच्चों, यहाँ जो कॉपी पेस्ट डाला गया ये थोड़ा गलत हो गया, इसके एरो के ऊपर में यहाँ लिखिए सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, उसके बाद लिखिए MCPBA, सब परेशान हो गए होंगे ना सर, यहाँ क्या किया जाए, ये तो शैपिरो रिएक्शंस का रिएजेंट बन गया था, हाँ 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 ठीक है। चलो भाई सब लोग मुझे एक बार सब लोग बता दो, हाँ ठीक है भाई, इसको एक बार चेंज कर लेना, ठीक है, आई एम सॉरी दोस्तों, NaH डाला होगा तो भैया यहाँ एंटी और सिन में से कौन एलिमिनेशन हुआ होगा, सिन एलिमिनेशन अगर हो गया होगा, है ना भाई। तो ठीक है, आप लोग अपने कमेंट्स बताते चलिए, वाह, आकाश कह रहा है रिएजेंट, रोहित कह रहा है रिएजेंट, हाँ रिएजेंट में गलती है, हाँ तो दिमाग हिल गया था इसमें तो, हाँ भाई आई एम सॉरी दोस्तों, विकास सवाल में कोई मिस्टेक हो गया था, बट कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ अल्किन बना देंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ बना देंगे, उसके बाद यहाँ MCPBA डाला गया है, और MCPBA किसके रिगार्डिंग बात करता है दोस्तों, MCPBA बात करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे हम लोग बिलो दी प्लेन लगाएंगे इसको, है ना, और इसे भी बिलो दी प्लेन ही ग्रुप लगा देंगे, हाइड्रोक्सिल डायरिएटेड इपॉक्सीडेशन हम लोग कर, ठीक है, जो बना होगा इसको बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये बिलो दी प्लेन होगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, अबव दी प्लेन चला जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन आना चाहिए वो कैसा ऑप्शन आना चाहिए, बी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हमारा आना चाहिए, जो सवाल अभी मैंने मॉडिफाइड कर दिया था वो बी आना चाहिए। तो मैक्सिमम बच्चों ने रिएजेंट्स के बारे में कहा है, हाँ नेम रिएक्शंस में बेसिक नेम रिएक्शन अब हमारी थोड़ी बची हुई है,
उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक बार मैं आपका सेशन ले आऊंगा। बेसिक नेम रिएक्शन जो हमारा बचा हुआ है, बेसिक में कौन कौन से हैं, यही सब अल्डोल हैं, कैनिजारो हैं, क्लेजन कंडेंसेशन है, माइकल एडिसन रिएक्शन है, फेवरस्काई रीअरेंजमेंट, रिफॉर्मस्काई रिएक्शन है ना भाई। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग एक सेशन ला करके इसको खत्म कर देंगे। बेसिक्स पहले एक बार देख लीजिएगा, फिर बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ये सेशन को यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं। और आई होप ये जो सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नेम रिएक्शंस का, तो मोस्टली इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हम कवरअप कर लिए हैं। मेनली आप समझ लीजिए कि आपका 10 से 12 नंबर का जो कंटेंट है, वो कंटेंट आपका नेम रिएक्शंस का आप अब गेन कर चुके हैं। अब ये कह सकते हो कि भाई हाँ, अगर नेम रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो कपलिंग रिएक्शंस का एक सवाल पक्का आएगा आपको, और ये जितने भी आपके जो रिएक्शंस मैंने आप लोगों को कराए, इससे एक सवाल आपका पक्का आने वाला है। तो चार चार आठ नंबर समझ लीजिए, और पार्ट भी में एक आध क्वेश्चन इसके मिल गए तो 10 नंबर आपके इसमें से पक्के हो गए हैं, ठीक है। सर रिएजेंट एंड पेरीसाइक्लिक का मिक्स क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है भाई, बिल्कुल करा देंगे। सर रिएक्शन मैकेनिज्म का भी सेशन लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे उदय जी, बिल्कुल लेकर के आएंगे सेशन, है ना, ठीक है जी। तो नेक्स्ट सेशन में पहले एक बेसिक जो नेम रिएक्शंस हैं उनका एक सेशन में ले आऊंगा, ताकि जो नेम रिएक्शंस में बचे हुए पोर्शन हैं वो जो दो तीन सवाल और आपसे पूछे जा सकते हैं बेसिक पार्ट बी वाले, वो भी खत्म हो जाएंगे, एक साथ ही उनको निपटा दिया जाए, ठीक है। चलिए जी, धन्यवाद, ओके जी, थैंक यू आकाश जी। बस जितना जितना टाइम मेरे पास होता है उसके अकॉर्डिंग जब सेशन में लेकर के आता हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि जितना मेरे से आप लोगों का हेल्प हो सके, जितना लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाएँ वो आप कर सके, मेहनत करिएगा और रिजल्ट आपका जरूर होगा, कोशिश करें। जिन बच्चों को PDF चाहिए होगा वो डाउनलोड करिए ऐप को और वहाँ से PDF को ले लीजिए, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बच्चे अभी निकल आ रहे हैं, बहुत देर से वो वॉच कर रहे थे और अब निकल के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, DDQ रिएजेंट का भी बता दूंगा, रिएक्शंस में क्या उसका एरोमेटाइजेशन का कैसा सवाल आता है वो सब बता दूंगा, रिएजेंट के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के बारे में बता दूंगा। चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।